आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे अरे जल्दी आओ। आ रहा हूँ रुकना। क्या कर रहे हो, जल्दी आओ ना। दो मिनट रुक नहीं सकते थे बे? आपकी राह देख रहे थे भाई। आप कहोगे तो स्टार्ट करेंगे, नहीं तो रुक जाएंगे। अगर हम लेट जाएंगे तो मूनलाइट मिस हो जाएगी ना। किधर है वो? ऊपर ऊपर। ए अनिल, अरे क्या बात है भाई, चल बताता हूं। भाई क्या चल रहा है दिमाग में तेरे? मुझे भागना है। भागना है किससे यार? शादी और रिश्ते से यार। शादी का रिश्ता आ गया, एक महीने में कितने आएंगे? हाँ। इस बार किसके साथ है? मेरी माँ की सहेली की एक बेटी है और वो लेट नाइट डिनर के लिए यहाँ पर आ रही है। एक तो एक लौती बेटी है, ऊपर से दिखती भी खूबसूरत है, करोड़ों की जायदाद है। देखने में सुंदर है क्या वो? भाई मेरी माँ जिस लड़की को सिलेक्ट करेगी पक्का वो लड़की ना गाँव की होगी। हमेशा जब देखो इसकी उसकी जायदाद और वो कहते हैं ना वो टीवी सीरियल, बोर हो गया यार। मैं तो सिर्फ 23 साल का हूँ रे, और इतनी जल्दी शादी किसी उम्र में? मेरे पापा की शादी हो गई, मैं खुश नहीं हूँ। तू अलग है बे, तेरी जिंदगी राजमंड्री और काकीनाड़ा शहर तक सीमित है, लेकिन मैं दुनिया भर में घूमना चाहता हूँ। तेरे पापा ने पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटा है कि तूने पुणे में जाके MBA किया है, पुणे में जाके तूने ना दुनिया देखी है ना एंजॉय किया है। मैंने अभी अभी इंग्लिश में बात करते हुए अपना कोर्स पूरा किया है और लड़कियों ने मेरे साथ हमेशा अच्छी तरह से ही व्यवहार किया है। मेरा काम तो उनको देखना ही था, लेकिन फायदा जीरो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, हैदराबाद शहर में धूम मचानी है। तो इससे क्या हो जाएगा? मुझे किसी शहर की लड़की से प्यार हो जाएगा, उसके साथ मैं कई सारी जगहों पर घूमूंगा और साथ ही साथ एंजॉय भी करूंगा, और अगर फिर भी सब कुछ ठीक रहा तो उससे शादी कर सकता हूं। अच्छा तो कब जाने वाला है? कहां पर? अलादीन का चिराग ढूंढने। अरे लड़की से मिलने के लिए। मेरा प्लान अलग है। देखते हैं। तो देख लेना। कॉल है मेरे विकी डार्लिंग का। हेलो, मेरी शादी फिक्स हो गई। हे सुपर, कंग्रेट्स। थैंक यू। कब है? अरेंज्ड है? अरेंज किया हुआ लव, और अब मैरिज है। शादी के कार्ड डिजाइन करने हैं? ये तो मुझे तुमसे चाहिए ही, लेकिन मेरी एक और ख्वाहिश है। मेरी शादी ना वेनिला में है। वेनिला में? यस, मूनलाइट मैरिज। मैंने जब अपने डैडी को बताया तो उन्होंने पंडित जी से पूछा। पूर्णिमा मुहूर्त में मेरे नक्षत्र और उसके चंद्रमा का 36 का आंकड़ा है। दीपाली, तो मुझे एक आइडिया आया। वो क्या है? ओके बाय, अपना ध्यान रखना। तो मैं ही सब डिजाइन करना है। ठीक है। ओके बाय 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 लता जी। बाय, कल शाम को 6 बजे भूलना मत। बाय। क्या इस शहर में किसी के पास चांदनी देखने का समय है? दिखाई देनी चाहिए ना, तो ही देखेंगे। दीपाली चांदनी में शादी करना चाहती है। चांदनी रात में? ये आइडिया कितना रोमांटिक है ना। शादी से पहले हर चीज रोमांटिक लगती है, उसके बाद रोमांटिक लोग हमेशा रोमांटिक ही रहते हैं। मैं तो कभी नहीं बदलूंगी। देखूंगी। देख लेना। ये दिखने में अच्छे लग रहे हैं। मुझे ये पसंद आया, मैं ये रख लेती हूँ। और हाँ, पैसों की चिंता मत करना, वो सब मैं संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है। मैंने जो कहा है वो अच्छे से याद रखना। हाँ याद रखूंगी। माँ तैयार हो गए? किस लिए? शादी के लिए। हैं?
हमें गोपाल श्याम जी की बेटी की शादी में जाना है ना? शादी वादी में नहीं जाना है, मुझे पापा से मिलने जाना है, कुछ बात करनी है उनसे। देख रही है ना आप कैसे बच्चों की तरह जिद कर रहा है। माँ, मैंने कितनी बार आपसे कहा छोटा बच्चा मत बोलो, अच्छा नहीं लगता। चलो ना हमारे साथ, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्यों, वहाँ पे मेरी शादी भी अरेंज करके रखी है क्या? सती, मेरे जूते लेके आओ। अभी लाया। अच्छा, मैं चलती हूँ। और मेरी बात याद रखना। हाँ ठीक है। ये क्या, ये सब कुछ नेकलेस के बारे में है ना माँ? नहीं, उससे भी बड़ी बात है। वैसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, चलो आओ नाश्ता कर लो। रहने दो, मैं पापा के साथ कर लूंगा। आपके पागलपन का कोई अंत नहीं है। अरे बेटा, तू शादी में नहीं जा रहा? नहीं पापा, बोर हो रहा हूँ। माँ के बारे में आपको पता है ना, मैच फिक्सिंग करती रहती है। और आप? मैं लंच के बाद जाऊंगा, नहीं तो गोपाल को अच्छा नहीं लगेगा। वैसे क्या बात है, मॉम ने फोन करके बताया तो मुझसे बात करना चाह रहा। टाइम है आपके पास? आपकी तो मीटिंग है ना। अरे कोई खास बात नहीं है। अबे यार, वन मिनट। हाँ बेटा, एक फोन। हाँ नायर जी। कौन थे पापा? हैदराबाद में नायर जी के एक पुराने फ्रेंड है, उनकी बेटी की शादी है और उन्हें हमसे गुलाबी फूल, मोगरे के फूल चाहिए। मैंने उनसे कहा वहाँ पहुँचने से पहले सूख जाएंगे। हाँ चलेगा, कहने लगे। मैंने कहा वहीं से फ्रेश फूल ले लो, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं जाऊँगा पापा। क्या कहा? मैं चला जाऊंगा, लोड डिलीवरी का काम मैं पर्सनली करूंगा, अपनी एसी वैन से जाऊंगा मैं। लेकिन क्यों? अरे पापा, यहाँ पर बहुत बोर हो रहा हूँ मैं, शहर में बिजनेस करना चाहता हूँ, एक बार तो जाना ही पड़ेगा ना, वहाँ की नर्सरी में फूलों का बिजनेस हो सकता है। हमने शादी का नाम क्या लिया, तुम इतने डर गए? पापा आप ये सब कैसे कर लेते हैं? अरे मेरी चिंता ना कर, मैं ये 25 साल से कर रहा हूँ। चिंता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मेरी शादी कैसे होगी? लाइफ में हम ही सब कुछ नहीं करते, खुद ब खुद भी हो जाता है। मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरी लव मैरिज होगी। बस पापा, तेरे दादाजी होते तो तुझे मार ही देते। क्यों और क्या, आपने किसी से प्यार किया था और दादा को कबूल नहीं था? अरे छोड़ ना यार, जो होना था हो चुका। hey, पापा, पापा, प्लीज, 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 बताओ ना पापा। मुझे कोई और पसंद थी, लेकिन तेरे दादाजी राजी नहीं थे। अब मैं क्या करता, उन्होंने मुझे तेरी माँ से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया और फाइनली मैंने भी ओके कह दिया। सच में? और आप इससे सहमत थे क्या, जिससे प्यार किया उसे छोड़ दिया? अरे तेरी माँ भी मुझसे प्यार करती थी। अच्छा, माँ आपसे प्यार करती थी? आ, आ, क्या पापा, क्या किया जाए, हो गया। अरे बाप अपने बच्चे को मेरी तरह लाड नहीं करेगा। तो सच में हैदराबाद जा रहा? आप अपने दोस्त को फोन करेंगे या फिर मैं करूँ? मैं करता हूँ, लेकिन 2 दिन में जाना होगा। हाँ मैं तैयार हूँ। ये कैसा है? एक बार फिर से पहनो। थोड़ा सा बड़ा है। मेरे लिए नहीं, मम्मी के लिए। अच्छा है ना? मम्मी के लिए है। तेरी मम्मी, शी इज अ ब्यूटी, इस जनरेशन की होती तो सिनेमा स्टार होती। ले लो। कितना? ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Relax. Repeat this 3 times, okay? Very good. जो कुछ भी खाती हूँ यही फैट जमा हो जाता है मैम। Relax, relax. ये जाएगा। तुम्हारी उम्र में मेरे साथ भी ऐसा ही था। ऑडिशन के लिए जाती थी तो जब उस डायरेक्टर को हमारी फुल बॉडी पसंद आती थी तभी सिलेक्ट करते थे। ओ, फिर आपको एक्सेप्ट करते थे? मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मम्मी। Hi, sweetie. आप रेडी हैं? 2 मिनट सब पूरा हो गया है। मैं नहा कर रेडी हो जाती हूँ। डैडी? डैडी ने कहा वो डायरेक्ट होटल पहुँच जाएंगे, वो बहुत बिजी है ना। ओके। ऑडिशन में एक बार डायरेक्टर ने मुझसे डांस करने को कहा, मैंने भी टका टक करना शुरू कर दिया। कैसे डांस कर लेती हैं आप मम्मी, मुझे तो सच में बहुत डर लगता है। हाँ साहब। आ गए हीरो साहब, एक काम करते उनके फोन को कट कर देते हैं। मम्मी। मैंने बोला था फिर भी महिलाओं के आत्मसम्मान को लेकर सीरियल दिखाएंगे तो क्या होगा, टीआरपी गिर गई ना। उसके बाद मंगलसूत्र, शादी विवाह छोड़कर फिक्शन सीरियल्स ने हमारी टीआरपी फिर से बढ़ा दी है। शिक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है साहब, नारी जितनी भी पढ़ाई कर ले कोई फायदा नहीं, उनका कुछ नहीं हो सकता। दे आर डोमेस्टिक क्रीचर्स, दैट्स व्हाट नारी आर।
और नारी ही हमारी व्यूअर्स है। हमें जो बनाना है उन्हीं के लिए। वेटिंग, कॉल कट कीजिए। मॉन डैडी। विकी, सॉरी बॉस, आई हैव टू गो। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए रेस्टोरेंट में आए हैं। थैंक्स, बाद में कॉल करता हूँ, बाय। सॉरी यार, गिफ्ट लेने का टाइम नहीं मिला। हैप्पी एनिवर्सरी। कोई बात नहीं, आप आ गए यही काफी है। मम्मी, तुम्हारी माँ की यही चीज अच्छी नहीं लगती, हर चीज के लिए तुरंत कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, कभी कोई डिमांड नहीं करती है। हैप्पी एनिवर्सरी। ये क्या लाई हो? थैंक्स बेटा। हे, वॉच बहुत खूबसूरत है। थैंक्स, अच्छा है ना? सुपर। आप जैसे बिजी इंसान के लिए ये वॉच एकदम सही है। अपना गिफ्ट देखो। देखा, मेरे गिफ्ट से जल रही है। डैडी, एक बार पहन कर दिखाओ। ओहो, इसके सामने मिस यूनिवर्स भी पानी कम चाय। सच में? हाँ। इसी वजह से आपने मुझे एक्टिंग करने से मना किया ना? फिर से शुरू हो गई ना माँ। अरे, इन्होंने जो कहा उसके बदले मैंने बस आंसर दिया है। बाय द वे, गॉगल्स बहुत अच्छे हैं, ये मेरी आंखों को ठंडा रखेंगे और उसी के साथ मुझे दुनिया के खूबसूरत व्यूज भी दिखाएंगे, है ना? साहित्य अच्छा पढ़ रही हो। डिनर ऑर्डर कर ले? नहीं, डिनर अभी नहीं। हाँ, आई हैव अ सरप्राइज। वेटर। वाओ। कट कीजिए। ओके। हैप्पी एनिवर्सरी। चीयर्स। हाय अंकल। अनिल, आओ आओ आओ। वल्ली। हाँ, ये रमेश का बेटा है। अनिल, आओ बेटा। हेलो आंटी। कितने बड़े हो गए हो। लाओ मुझे। मम्मी पापा कैसे हैं? वो अच्छे हैं आंटी। यहाँ शादी की फूलों की डिलीवरी करके वापस जाना है। फ्रेश है, जाके देख लेना। यहाँ आओ, आओ आओ। ये मेरा बेटा रोहित है, एक नंबर का बेवकूफ। ये अनिल है, मेरे दोस्त का बेटा। हाय। हाय। देखो, ये एड्रेस बताने में तुम्हारी मदद करेगा। आईआईटी लॉन्ग टाइम कोचिंग करके, ऑल टाइम इंडस्ट्रीज ब्रेक करके आज यहाँ बैठा है। पढ़ाई में भी कमजोर है, इसे कोई बिजनेस के बारे में बताओ बेटा। देखो ना मैं, हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं। नहा कर आ जाओ, नाश्ता करते हैं। चलो चलो, आओ बेटा। अब जरा ब्राइटनेस बढ़ाओ थोड़ा सा और। हाँ, अब ठीक है। फिक्स कर दो मैडम। ओके ओके, फिक्स। हाय। हाय। आप इतनी अच्छी क्यों लगती हैं? एक्सक्यूज मी, मतलब ये सेट बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आप कौन है? आप पे मोहर लगाने वाला। क्या? अरे आप फूलों को कुचल रही हैं, जरा ध्यान से। ओह सॉरी। बहुत ही मुश्किल से हमने ये फूल खरीदे हैं और आप हो कि उसे इस तरह से कुचल रही हैं, कैसे? ओह, आप ही हैं कडियम नर्सरी? मैं नहीं हूँ, नर्सरी मेरी है। एक ही बात है, अनन्या। अनन? अनन्या। अनन्या का क्या मतलब है? अनन्या का मतलब होता है नंबर वन। ओह, वो तो तुम्हें देख के समझ गया था। मैं नंबर टू अनिल और आपके एक नंबर पीछे। सच में अनिल का मतलब होता है हवा,
जो कभी जीरो नहीं हो सकता वो अनिल। जीरो नहीं तो हीरो है क्या? ये तो हीरोइन पे डिपेंड करता है। आपने जो डिजाइन किया है उसमें एक छोटा सा करेक्शन है। करेक्शन? हाँ। अब कैसा है? वाओ ब्यूटीफुल। तो क्या हम पार्टनर बन सकते हैं? वही बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं ना, वैसे ही। इस मंडप को मैंने अपनी खुशी के लिए डिजाइन किया है, ये मेरा बिजनेस नहीं। मंडप रेडी होने के बाद आप चली जाएंगी ना? हाँ क्यों? मतलब मैं यहाँ किसी को नहीं जानता ना, अगर मैं शादी छोड़कर चला गया तो नायर जी मुझे मार डालेंगे। आपको देखकर मेरे मन में ये इच्छा हुई है, आप थोड़ा सा मेरा साथ दे सकती हैं? अनन्या, दीपाली बुला रही है। हेलो, मैं यहाँ अकेला हूँ, किसी को जानता नहीं। देखते हैं। हाँ, फैसला सोच समझ के लेना, दोबारा भी मिलना है। ओके बाय। बाय। हाँ नानीमा, नानीमा एक मिनट रुकिए, अब यहाँ से मैं जारी रखूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में आप सबके सामने जारी होने जा रहा है एक युवा गीत। ओके, ऑर्केस्ट्रा रेडी है? हाय। आप में ये टैलेंट भी है? मतलब जरूरत के हिसाब से टैलेंट को बाहर निकालना पड़ता है। दोबारा कहाँ मिल सकते हैं? लेकिन क्यों? मुझे कुछ काम है और आपके लिए प्लान है। मेरे लिए क्या है? अरे ऐसे डरो मत, पहले बताओ तो हम कब मिल सकते हैं। अरे यार, दीपाली की शादी लड़के से हो रही है या तुमसे? मुझे जाना होगा, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। मतलब आज नहीं। ओ, तो ठीक है। क्या बात है, मानना पड़ेगा गुरु, लड़की फंसाने का मस्त शॉर्टकट तरीका है तुम्हारे पास। है चल। हाँ बोल। पापा, मैं कड़ियम से वापस नहीं आ रहा हूँ। पता था मुझे। मैंने यहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात की है, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर अपना फूलों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हम यहाँ ब्रांच ओपन कर सकते हैं, बुके रख सकते हैं, और मंडप डेकोरेशन, सिनेमा सेट में सब अरेंज हो सकता है, मजा आ जाएगा। मतलब तू वापस नहीं आएगा? मैं बिना जानकारी के नहीं आऊंगा पापा। अच्छा। ए बदमाश, मैं हैदराबाद आ रही हूँ। आप? लेकिन क्यों? शॉपिंग के लिए, वहाँ गहने अच्छे मिलते हैं ना। अंटार्कटिका में आइसबर्ग पसंद आ जाए तो वहाँ भी चली जाओगी? मैंने तय कर लिया है, मैं वहाँ आ रही हूँ, वीरभद्रा को बता दिया है। ये लीजिए। हाँ पापा। अरे वो अपने शॉपिंग में बिजी रहेगी और तू अपना काम करना। क्या काम कर पाऊंगा, आप उन्हें यहाँ पे आने से रोकिए ना प्लीज। ऑल राइट, यू टेक केयर। कॉफी ठंडी हो रही है। रियली? रियली? गुड़िया तो बहुत सुंदर है। हाय। तुम कब आए? सच कहूं तो मेरे ये कदम अपने आप चलते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे और आखिर पहुंच गए। अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाने का भी टैलेंट है। सुना है तुम्हारे बनाए ग्रीटिंग कार्ड्स लवर्स के लिए बहुत ही लकी होते हैं। मुझे एक कार्ड मिलेगा? किसके लिए?
अपने पास रख लूंगा, किसी दिन तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ओह ओके। कब तक आ सकता हूँ इसे लेने? एक घंटा। सुपर, एक घंटा तुम इस कार्ड को देखो, मैं दूसरे कार्ड देखता हूँ। ओके। आई डोंट नो। हो भी गया। यू आर माई ब्रेथ। 100 रुपीज। हाँ जरूर, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम है। मुझे यहाँ गम मिल सकता है? हाँ मेरे पास है। आओ जल्दी आओ, प्लीज हेल्प यार। थैंक यू। ये क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता। ये फूल इसमें मिस थे, तुम शहर के लोग इन्हें भूल गए थे। जब भी इस फूल की खुशबू आती है तो वंडरफुल एक्चुअली। अच्छा मेरा नाम है अनिल। हाँ मेरा नाम है लता। बाकी बातें आपको ये बता देंगे। ओके। अच्छा एक ऐसा कार्ड होगा और इसके जैसा एक फूल, अगर हम असली फूल लगाएंगे तो कैसा रहेगा? ग्रेट। मैंने तुमसे सही कहा था कि हम दोनों जिंदगी में बहुत अच्छे पार्टनर्स बन सकते हैं। मैं अभी इसे महसूस कर रहा हूँ, आप क्या कहती हैं? क्या बताऊँ, क्या बोलना सही होगा? ठीक है आप आपस में सोच लीजिए, मैं टच में रहूंगा। थैंक यू। लवली, ब्यूटीफुल। बाय बाय, सी यू सून। मुंडा स्मार्ट है। गुड चॉइस। अरे बिजनेस पार्टनर के लिए काउंटर पर कस्टमर है। आहा। वेलकम टू लूरे लंपट्टा, हमारे राष्ट्र के कई जिला में व्यवहार। श्रीधर, hey, ये मेरा चैनल, मेरा क्रिएट किया हुआ सुपर हिट शो। अनन्या, अनन्या यहाँ हो। उन दोनों को देखो, अच्छी कॉमेडी की है। वाह वाह क्या बात है, गौर से जरा इस जोड़ी को देखो, हर कोई हीरोइन बनना चाहती है। डैडी मान लो आज के लोग यही चाहते हैं। हमने एक साल तक मार्केट रिसर्च किया है, बिलीव मी पतियों से ज्यादा बीवियां फास्ट होती हैं। हद है, कम से कम नाचना तो सीख लेती। मुझे बहुत काम है। अरे रुको रुको, एक ग्लास ऑरेंज जूस लेकर आओ ना। श्री मैंने तुमसे कुछ पूछा था। किस बारे में? श्री मेरे योगा स्कूल के बारे में। ओ योगा स्कूल, पहले इसे ठीक से चलने दो। ऐसा नहीं है श्री। अरे बेटा तेरी माँ योगा स्कूल डेवलप करना चाहती है, कुछ इक्विपमेंट डाल देंगे तो वो जिम कम योगा स्कूल बनाएगी, वो ऐसा चाहती है, तुम क्या कहती हो? श्रीधर अरे यार तुम्हारे क्लास में 10 मेंबर भी नहीं है, पहले किसी फेमस हीरो हीरोइन को लेकर आओ और अपनी क्लास को डेवलप करो, उसके बाद सोचूंगा क्लास के बारे में क्या करना है। और ये लोन लेने की बात कर रही है, तुम उसे ये सब क्यों बता रहे हो? वो बच्ची नहीं है, तुम हमारी सेविंग उड़ा रही हो। ओके ठीक है। गुस्सा क्यों कर रही हो? ओके ठीक है। तुम गुस्सा करने की एक्टिंग मत किया करो, मुझे पसंद नहीं है। आपको मेरी एक्टिंग पसंद नहीं है ना? हेलो। हाय हाउ आर यू? कैसे फोन किया? डिस्टर्ब किया क्या? एक्चुअली हेल्प किया है। क्या हेल्प, वो कैसे? बाद में बताऊंगी। तुम कहाँ से कॉल कर रहे हो? नरक से बोल रहा हूँ। अच्छा नरक से? तुम मेरी हेल्प करो प्लीज। मैं कैसे? एक बार बाहर आओ ना। बाहर? अरे बाहर मतलब बालकनी में। हाय। इसकी तो सॉरी सॉरी। सॉरी की जरूरत नहीं है, तेरी तो बहुत अच्छा लग रहा है। वन सेकंड। ये देखो रात में राजमंड्री के लिए वॉल्वो की बस टिकट है। और ये उसी टाइम मल्टीप्लेक्स की मूवी की टिकट्स है। कहाँ जाऊँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब राजमंड्री का एक टिकट है तो अपने मूवी के दो टिकट क्यों लिए?
अगर तुम आ सकती हो तो मैं राजमंड्री के लिए दो टिकट्स ले लूंगा। प्लीज हेल्प। मैं अपनी जगह राइट हूँ बॉस, तो राइट हैंड करेक्ट है। टेन मिनट्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। कितनी बार अंडरस्टैंड करूं? मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ। पर कहाँ? कहाँ जा रही हूँ? लता दीदी के यहाँ, उनसे कुछ काम है, आने में देर होगी। लाना फिगर है, क्या खा के पैदा किया है माँ पापा ने। स्टूपिड। क्या अपने आप को ऐश्वर्य राय समझ रही है? तुम लड़कियाँ राजीव लेने के लिए होती हैं, नहीं तो हनी की तरह खा जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम्हें? राजा आपने किस तरह बात की पता है? तुम कहोगे तो मैं खुद आ जाऊंगी। तुम कितने प्यारे हो। फिर दूर रहकर क्यों मार रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैं ना, मुझे सब पता है तुम्हें क्या चाहिए। मैंने तो मजाक के लिए नाटक किया था। मुझे पता है कि तुम इंडिया की लड़की हो। इंडियन लड़कियों के लिए उनकी इज्जत ही उनकी ताकत होती है। लेकिन ये बात तुम्हें पता नहीं है। ये जानने के लिए मैंने छोटा सा टेस्ट लिया था तुम्हारा। तुम पास हो गई पूजा। आई लव यू। आई लव यू राजा। अनन्या क्या हम चलें? प्लीज। कभी उस मूवी के हीरो की तरह बात की है? ऐसी बात कोई नहीं करता। तो ऐसी फिल्में क्यों बनाते हैं? नया देखना अच्छा होता है, और जो कभी भी हो नहीं सकता। तो क्या लोग रोमांटिक बातें करना पूरी तरह भूल गए हैं? अगर फ्रैंकली कहूँ तो मैं भी नहीं जानता कि रोमांटिक बातें हैं कैसी होती हैं। ये झूठ है। ये सच है। रात को लड़की के घर जाकर नीचे खड़े होकर उसे बालकनी में बुलाकर फोन करके टिकट दिखाना, ये सब क्या है? पागलपन। ऑल राइट। तो अब क्या करें? घर चलें? नहीं, पब चलते हैं। पब इस जगह से तो वो बहुत बेटर है। लेट्स गेट मैड, लेट्स हैव अ ड्रिंक। ये सपना चलो, चलो, है या सच है? विश्वा भाई, मुझे एक लड़की मिल गई है। सच में? तेरा एक्साइटमेंट देख के लग रहा है तू सच में उसका शिकार करके मानेगा। अरे 100% करूंगा। ये जमी चल रही और आसमान झुक रहा। इसका मतलब तूने उसको चूम लिया? नहीं यार, मैंने तो बस तुझे सलाह के लिए फोन किया है। अबे तेरी तो, जैसे शेर ने चूहे से शिकार करने का तरीका पूछा। शादी के बाद भी मेरी बीवी मुझे पास नहीं आने देती। मारूंगी। शादी को 1 साल हो गया है ना? हेलो हेलो हेलो। अरे मैं इधर ही हूँ। क्या यार, हमने इस टॉपिक पर कभी सही से बात ही नहीं की, कैसे पता होगा? भाई मेरी भी अपनी बीवी के साथ इस टॉपिक पे बात नहीं होती। क्या कहा? सच में? मतलब अब तक ऐसे ही इस विषय के बाद सब गूंगे हो जाते हैं। हाँ, रोमांस की बात तो सबसे बुरी बात होती है ना भाई। अरे तू हंस रहा है? कैसा इंसान है? हंसले हंसले, अभी तेरा टाइम चल रहा है ना, बैंड तेरी भी बजेगी। क्या बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा है। तू पब में है, प्यार भी हो गया है, डबल डोज है। एंजॉय कर एंजॉय कर, मुझे सिंगल के माफिक सोना है। अरे ठीक से खाने तो दे यार। ओके ओके, बस यहीं पर रुक दो। बस बस बस। थैंक्स अनिल। किस लिए? अगर तुम नहीं आते तो ये रात बहुत भयानक होती। क्या हुआ? जब तुमने कॉल किया तब मेरे मॉम डैड झगड़ा कर रहे थे। ओह, रोज तुम्हारे मम्मी पापा के बीच बहस हो तो हमें क्या करना चाहिए? अरे काश हम हमेशा ऐसे ही रह पाते। हर चीज का एक टाइम होता है। टाइम टाइम, पता नहीं कब आएगा। hey! मैंने पार्टनरशिप ऑफर की थी, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। अभी सोच रही हूँ, टाइम आने पर बताऊंगी। को 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 को। गुड नाइट। हाँ, फिर से टाइम लगा रही है। अल्ला ला 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 ला, मेरा बच्चा। अरे माँ, आपके भाई। ये सब छोड़, देख इससे क्या फर्क पड़ता है। रोहित आया था स्टेशन लेने। तुझे अब बस मेरा एक काम करना है, मुझे एक अच्छे से ज्वेलरी शॉप तक ड्रॉप करना है। जा जल्दी जाकर नहा ले, कपड़े निकाल कर रख दिए हैं मैंने। जा जल्दी जा मेरे लाल। हाँ, कपड़े निकाले हैं? ये अभी भी मेरे लिए बच्चा ही है। मैं कितने सालों से कह रहा हूँ मैं बच्चा नहीं हूँ, छोड़ो। टैक्सी से भी जा सकती थी ना। इतने छोटे से काम के लिए टैक्सी क्यों? हर जगह बस सेविंग्स। तुम जल्दी चलो, देर हो रही है। वैसे जेवर खरीद कर आप क्या करेंगी? अपनी बहू को दूंगी ना। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मैं सिलेक्ट करूंगी तब भी नहीं मानोगे? अच्छा, आपने सिलेक्ट भी कर ली? ऐसे कह रहे हो जैसे पहले ही किसी को पसंद कर लिया है। अभी तो नहीं, पर मुझे आप जैसी लड़की नहीं चाहिए।
क्यों बेटा, तुम मुझसे नफरत करते हो क्या? हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत चिढ़ होती है। अच्छा, वैसे शॉपिंग को लेकर आप इतनी जुनूनी क्यों हैं? अच्छा, आप बचपन से ऐसी हैं क्या? क्योंकि आपको देख के ऐसा ही लगता है। ठीक है, यही रुक जाओ, यहाँ से नजदीकी है। जब टाइम आएगा तब बताऊंगी कि मैं ऐसी क्यों हूँ। ये औरतें हमेशा टाइम आएगा तो बताऊंगी क्यों कहती हैं? क्यों, किसी और ने भी ऐसा कहा है क्या? नहीं नहीं, किसी ने नहीं। वैसे किस टाइम पे? वही, कब आऊँ आपको लेने? कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑटो से आ जाऊंगी, मुझे ये जगह भी देखनी है। वैसे यहाँ कोई शॉप दिख तो नहीं रहा है। यहाँ अगली गली में ही है, तुम जाओ। ठीक है, फोन तो है ना। संभल कर। हाय। सुबह से तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? सुबह से ट्राई कर रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्यों? तुम्हारी कॉलर ट्यून सुनने के लिए। मुझे पता है एक लड़का रोमांस करने के मूड में पागल हो रहा है, कैसे एक्सप्लेन करना है ये सोचकर मैंने फोन ऑफ कर दिया था। सो सोल्यूशन मिल गया है। क्या है वो? बाहर आओ। हाँ? बाहर आओ। हाय। हे, वाओ। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि रोमांस कैसे करते हैं। सच में? तुम्हें यकीन ही नहीं होगा। बस एक सेकंड। हाँ। तुम ये जगह कैसे जानती हो? कॉलेज के दिनों से ही जानती थी, लेकिन मैं यहाँ चांदनी रातों में आना चाहती थी, और फिर यहाँ अकेले आने में थोड़ा ही कोई मजा है। तुम मेरे साथ आई हो, डर नहीं लगता? इसमें डरने वाली कोई बात है क्या? आज तक कई लड़कों ने मेरे साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ किसी के साथ आने का मन नहीं किया। तो फिर मेरे साथ ही क्यों? अब तक मुझे भी समझ में नहीं आया। रुको रुको रुको। ये सब क्या है? नूडल्स और कॉफी। पानी भी वाइन की तरह लग रहा है। अनिल। थैंक्स। किस लिए? मेरे साथ आने के लिए। इसके लिए थैंक्स क्यों? मुझे लाइफ से कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस रातें कुछ ऐसी ही हों, ये फ्रीडम, सरप्राइज ट्रिप्स, म्यूजिक, बस इनके साथ अपनी रोमांटिक लाइफ बिताने और मरने के लिए काफी है। हम दोनों रोमांस के लिए पागल है, ऐसा ही है ना? मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे तुमसे नहीं, खुद से बहुत डर लगता है। So, be a good boy and enjoy the moonlight. Okay. Thank you.
ओह गॉड, मैं सो गया था। और क्या, तुमने तो सूरज को उगना सिखाया। हमारी ये फर्स्ट नाइट थी। छी छी। अरे नहीं नहीं, गलत मतलब से नहीं। चलो चलो। वैसे मम्मी डैडी से क्या कहोगी? वो दो दिन के लिए शहर से बाहर गए थे। चाबी? अनन्या, तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ लाइफ में कभी ना भूलने वाली रात के लिए। रोमांटिक का मतलब अब समझ में आया? हाँ, नहीं पूरी तरह से तो नहीं। हम फिर कब आएंगे? अरे चलो चलो। ऐसा नहीं है कि अब चलो। हे, तुम मुझे टॉर्चर क्यों कर रही हो? टॉर्चर? और मैं? डोंट बी सिली। हाँ नो नो, मुझे पता है तुमने इस नरक से मुझे विमुक्त किया है। जब कुछ ऐसा करते हैं जो किसी ने नहीं सोचा। मतलब? मुझे आपकी इच्छाएं कैसे पता चलेंगी? ओके। इसलिए ये एकदम फैंटास्टिक होना चाहिए। चलो। डील? डील। देखा जाएगा। हाँ दिखाऊंगा। देखा तुमने, अनिल ने पूरी टीम अपने एज ग्रुप की सिलेक्ट की है। अब बिजनेस से ज्यादा पार्टियां ही होंगी, है ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। है ना सर, इसके बारे में आपको पता नहीं है। हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, तो इसका प्यारा सा चेहरा देखना भी मुश्किल हो जाएगा। इसका जो गुस्से वाला चेहरा है ना, हमेशा वही दिखेगा। इसीलिए तो अनिल ने आप उनको सिलेक्ट किया है। जस्ट जोकिंग जिगीशा। नाइस मीटिंग यू सर। माय प्लेजर। थैंक यू। नाइस मीटिंग यू सर। गुड लक। हे अनन्या, आओ आओ। हे, हाय, हाउ आर यू? दिस इज फॉर यू। हे, थैंक यू। पापा, लता, अनन्या, यही है मेरे नए फ्रेंड्स। नमस्ते जी। हाय। हाय। बहुत अच्छी पसंद है। इसके कान के झुमके मुझे बहुत पसंद आए। थैंक यू। आप भी ना। पापा, मैं अभी आता हूँ। ठीक है बेटा। चलो। बाद में मिलते हैं। हाँ। ओह माय गॉड। वाओ। ग्रेट। मेरे ऑफिस के सेंटर वॉल पे होगा ये। क्या आपने सोचा अलग चीजों के बारे में? तुमने टाइम लिया तो मुझे भी सोचने के लिए टाइम लगेगा ना। वैसे तुम इतना डर क्यों रही हो? डर नहीं, मैं बस सोच रही हूँ। मतलब तुम आगे बढ़ना चाहती हो, यही कंफर्म करना चाहती हो ना? आगे बढ़ना किस में? टाइम आएगा तो बता दूंगा। अगली बार जब आऊंगी ना तो मुझे ओल्ड सिटी देखना है। दोबारा? हाँ वहाँ बहुत अच्छी चूड़ियाँ मिलती है। इस अच्छा, बार तो जा ही नहीं पाई। उनका तो कुछ भी हो नहीं सकता। हाँ। ऐसा नहीं बोलते, उनके घर में ही रह रहे हैं ना। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद नया फ्लैट ले लूंगा। बढ़िया, अब चलो। ये हुई ना बात। ए, ए, वो सिर्फ मेरे लिए होगा, आपको उनके साथ रहना है। जाओ ट्रेन में जाओ, टाइम हो रहा है। मुझे ये इयररिंग तुम्हारे कपड़ों में से मिला है, किसका है? मुझे क्या पता। फिर क्यों चाहिए तुम्हें? ये बहुत सुंदर है, मैं इसे रख लेती हूँ। माँ क्यों ऐसा कर रही हो? किसका है जाने भी नहीं, रख रही हो? लाओ दो। दो ना माँ। मुझसे ज्यादा समझदार है वो। ऐसा कुछ नहीं है माँ। अरे क्या कर रहा है, जरा बैग उठा के देना। तुम्हें यही रुकना है तो रुक जाओ, मैं चलता हूँ। आ रही हूँ ना। पहले पता करो कि ये किसका है, फिर उसे वापस दे देना। हाँ वापस कर दूंगा। ए बेटा चल हम लोग चलते हैं, कॉल करना। ओके चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। हे अनिल, तुम्हें हैप्पी बर्थडे गुड़िया। हाय डैडी। क्या हुआ, सरप्राइज हो गई? ये है तेरा गिफ्ट, आईपैड। तुमको ये पसंद आएगा। थैंक्स डैडी। तुम इसे जल्दी से खोल कर देखो, मुझे कहीं जाना है। शाम को चलते हैं कहीं डिनर में। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। बाय डार्लिंग। अनु मम्मी। थैंक्स मम्मी। क्या है ये? वाओ, स्केचबुक, ब्यूटीफुल। समझ नहीं आ रहा था क्या गिफ्ट ले लूं। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स मम्मी।
stupid messages. Happy birthday. Thank you. And that's for you. Have a great day. Just be back, huh? By the way, Anil ne phone kiya? Mm-hmm. Kyun? Kya hua? Pata nahi. Aaj tera birthday, usse pata hai? Pata hai. Bataya tha. Tum usse phone karo. Are? Main khud phone karke wish karne ke liye bolu? Meri koi self-respect nahi hai. Ananya, relax. Be confident. Tum uske saath business partnership ke liye okay kar do. How's that? Mm-hmm. बात करो हेलो हाय कहाँ हो स्वर्ग में हूँ वहाँ पहुँच गए इतनी जल्दी क्योंकि टाइम हो गया ना क्या टाइम बताता हूँ तुम्हारे फोन में वीडियो कॉल होता है हाँ ऑन करो पर किस लिए अरे ऑन करो ना ओके ओके वन सेकेंड मैं दिखाई दे रहा हूँ ये क्या कहाँ हो तुम देखो ना हे ओए ये क्या कर रहे हो तुम बस देखती रहो ए पागल हो क्या कोई शक है क्या लेकिन ये क्या है बस देखती जाओ Happy birthday! Hello, partner! Happy birthday! यही है हमारी partnership. मैं यहाँ पर पानी के अंदर हूँ और तुम अब इसे टाइप करोगी. Crazy fool. नहीं नहीं, crazy fool. बाहर आओ. मुश्किल है. बाहर आना बहुत मुश्किल है. मैंने कहा ना बाहर आओ. तुम यहाँ आ जाओ ना. इस वक्त वो भी इस बारिश में. और क्या? अरे इसी में तो मजा है. अभी कहाँ हो तुम? Congratulations. You are invited to the Mumbai International Painting Event. Oh, thank you so much. Anil, चलो शादी कर लेते हैं. शादी? Okay. चलो कर लेते हैं सची या सच में बताओ कब कब मतलब जब भी तुम कहो सच कह रहे हो हाँ सच है God, I love you. I love you too. तो फिर कल ही कर लेते हैं कल क्या ओके अगर कुछ चाहिए हो तो कॉल करना बेटा मैं मार्केट जा रही हूँ क्या भाई एंजॉय करते करते एंगेज हो गया क्या
वो बहुत अच्छी लड़की है यार। भाई जॉली से जिस प्यार में पड़ा है ना, उसके बाद ये मत भूलना कि दुनिया में तेरा परिवार भी है। तू ना बोलना बंद कर। कर दिया। ठीक है, लड़की तो बहुत अच्छी है ना? उसने हाँ कहा और मेरी लाइफ में आने के बाद मैं कई दिनों से सो नहीं पाया हूँ यार। लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। क्यों? अरे क्यों क्या, उसे कमिटमेंट दे दी मैंने। तू भी तो यही चाहता था ना? अरे हाँ बाबा, लेकिन ये बहुत ही जल्दी हो गया यार। अच्छी बात है ना? हाँ, ऐसा नहीं है यार, अभी सॉरी शादी के लिए वो राजी हो गई है, अब उसे इनकार नहीं कर सकता। तुझे उसको मना करना है? नहीं नहीं, पागल हो गया क्या? अरे माँ कसम, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, तू पागल कर रहा है बे? मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ यार। कैसा कंफ्यूजन? असल में हम मेड फॉर ईच अदर हैं, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी वाले दिन खत्म हो गया भाई, हम तो वारंटी वाले हैं। और डैमेज भी होगा, लैला लूट लेगी, लिख के ले ले। मतलब? जेब बात, तेरे को जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। लड़के लड़की की शादी हो जाए तो पहले लड़की लड़के के साथ खेलती है, समझ में आया? लड़का जब आवाज उठाता है तो लड़की खटारा भर के अपने गाँव वालों को घर वालों को भर के लाएगी और तेरे सर पे नाचेगी। तुझे फोन करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, चल फोन रख। तेरी तो मम्मी, फोन काट देता हूँ। कब तक अपनी इच्छाओं का गला घोटती रहूं? उनका तो कोई मोल है ही नहीं यहाँ। मैंने अब तक बस वही किया जो आपको पसंद है। Shut up, just shut up। श्रीधर, बेवजह चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगा, तुम अपने पसंद के नाम पर जो बेवकूफी करना चाहती हो वो देखकर खामोश नहीं रह सकता मैं। अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो चुप रहो। तुम जो स्मार्ट बनने की एक्टिंग कर रही हो ना, पहले उसे बंद करो। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुम पागल हो? पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ डैडी? तेरी माँ का चेहरा देखकर कोई बेवकूफ टीवी सीरियल में वैम्प का ऑफर दिया और ये उसके लिए राजी भी हो गई। कोई ऐसा वैसा सीरियल नहीं है, प्यार प्रेमी और शादी नंबर वन सीरियल है। आपका राइवल चैनल है ना, इसीलिए आपको प्रॉब्लम है। अनु, वो वैम्प कैरेक्टर एक गंभीर एक्सीडेंट का शिकार हो गई है, उसको बेड रेस्ट लेने के लिए कहा गया है। उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा, उन्हें अच्छा लगा, इसीलिए अप्रोच किया। और तुम उसके लिए तैयार भी हो गई? अरे मुझे बताए बिना ऑडिशन देने क्यों गई थी? तो क्या करूं मैं? क्या आप यही चाहते हो कि मैं पूरा दिन बस योगा करती रहूं? मैंने कहा मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोन देने से मना कर रहे हो। What do you want me to do, या? आपको पता है मुझे एक्टिंग पसंद है। पहले प्यार किया, फिर शादी, फिर बेटी की देखभाल करती रही, बस देखते ही देखते 43 साल गुजर गए। मम्मी, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं श्रीधर। तुम्हारे पास सब कुछ तो है। मेरे पास कुछ नहीं है, जब देखो यही बकवास बातें करते रहते हो। घर और कार ही सब कुछ नहीं होता, समझ गए तुम? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा तुम 20 साल घर पर बैठ कर देखो, घर में खाना बनाओ, ग्रोसरी शॉपिंग करो, घर को बाथरूम को अच्छे से साफ रखो। तुम ये कर सकते हो? हाँ मैं करती हूँ आपके लिए, क्योंकि मैंने आपसे प्यार करने का पाप किया था। मेरी बेटी के लिए करती हूँ। ऐसे कह रही हो जैसे कोई सोशल सर्विस हो, ये सब तुमने अपनी फैमिली के लिए किया है। मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, लेकिन तुम घर में बैठकर फ्री में एंजॉय करती हो। फ्री में? फ्री में? श्रीधर, मैंने तुम्हारे लिए, अनन्या के लिए और इस घर के लिए जो मैंने सर्विस की है ना, अगर उसका मैं बिल दे दूं तो तुम इस जन्म क्या 100 जन्म भी नहीं चुका पाओगे। मम्मी प्लीज। अनन्या के सामने बहस करना मुझे पसंद नहीं है, हम उसकी शादी के बाद इस पर विचार करेंगे। मेरा मतलब था कि तुमने ये घटिया सीरियल क्यों चुना? You deserve much better यार। Shut up श्रीधर। ऐसे शोज, ये सीरियल्स डिजाइन करके आपने इतना सब कमाया है, अब जब मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ तो ये सब अचानक खत्म हो जाएगा? देश की बाकी औरतें तबाह हो जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आपकी पत्नी को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने देना है, है ना? मैंने अपनी फैमिली के लिए अपनी सारी इच्छाएं दफन कर दी, लेकिन अब मैं उन्हें रोकूंगी नहीं। That's all. अनु, आज तक किसी भी माँ ने अपनी बेटी से कहा नहीं होगा, प्यार करके कभी भी शादी मत करना बेटा, नरक भोगना पड़ता है।
प्लीज मम्मी, क्या है ये? अपना चेहरा धो लो, मैं कॉफी बनाती हूँ। रहने दो मम्मी, मैं लाती हूँ, आप बैठिए। छोड़ो छोड़ो, मुझे इस सब की आदत है। हम हमेशा दरवाजा बंद करके बहस करते थे, लेकिन आज बातें दरवाजे के बाहर आ गई। 25 साल से जो एक्टिंग की इच्छा थी वो इस सीरियल से पूरी हो जाएगी, देखते हैं। तुम जाओ। बोलो। एक्चुअली आई मीन हम अभी लवर्स हैं ना? ऐसा क्यों पूछ रही हो? मतलब ऐसा नहीं है, हम अभी श्योर हैं ना, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है। तुम्हें भी डाउट है? तुम्हें भी है? मतलब ऐसा कोई डाउट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टेंशन था। क्यों? अगर मुझे पता है तो मैं टेंशन क्यों लूं? मतलब मेरे मॉम डैड की लव मैरिज है, मम्मी की सारी इच्छाएं मर गई, पापा भी बहुत दुखी हैं। माँ ने हमेशा मेरे लिए, पापा के लिए सैक्रिफाइस ही किया है, इसलिए वो बहुत दुखी हैं। मुझे डर है कि कहीं शादी के बाद मैं मॉम की तरह। तुम क्यों वैसा होगी? तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ को बदल दिया, लेकिन मैं तुम्हारे पापा की तरह नहीं हूँ ना। शादी से पहले तो पापा भी ऐसे नहीं थे, शादी के बाद पापा भी बदल गए और माँ को भी बदल दिया। ओह गॉड, मुझे तो डर है कि मुझे मेरी माँ जैसी बीवी ना मिल जाए, पता है? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। छीछे, माँ जैसा तो कोई नहीं है। अगर मैं पापा की जगह होता तो माँ को कब का छोड़ देता। ऐसा नहीं है, किताबों में, पोइट्री में, फिल्मों में प्यार के लिए लोग मरने और मारने पर उतारू हो जाते हैं। कहते हैं प्यार अमर होता है, और ये भी कि प्रेमी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन एक बार शादी हो जाने के बाद अपनी फ्रीडम खो देते हैं, समझौता करते हैं, सारी एंजॉयमेंट खो देते हैं। वेल, एक्चुअली मेरा भी यही टेंशन है। अगर जिंदगी की सारी समस्याएं हमें पहले से ही पता चल जाती तो हम सबके लिए कितना अच्छा हो जाता ना, जैसे वीडियो गेम के लिए डेमो वर्जन होता है वैसे। टीवी देख लो, काफी है। हमारा प्यार सच है या गेम है, शादी बंधन है या प्रतिबंध, प्रेम अनुभव है या काम है, प्यार के बाद शादी कंपलसरी होती है, और शादी के बाद प्यार का खो जाना। जिंदगी तो यूं ही चलती है ना, प्यार हो जाना, फिर एहसास, शादी। क्या तुम वो सीरियल देखते हो? छी, उस सीरियल के एड में आता है ये सवाल मेरी लाइफ में ना आ जाए, यही मैं चाहता हूँ। एक और कॉफी। Hey, मेरे पास एक आइडिया है, सुनकर मुझे बताना कि कैसा लगा। बी सीरियस अनिल। महा सीरियस। अभी हम दोनों के बीच में जो है ये प्यार, लव, हम अंत तक ये निभा पाएंगे कि नहीं, यही प्रॉब्लम है ना? Yes. ग्रेट, तो शादी के बाद हम डे टू डे क्या काम करते हैं वही साथ में रहकर देखना स्टार्ट कर देंगे। What? या बचपन में हम मम्मी पापा का खेल खेलते हैं ना, वही खेल है ये, लेकिन सीरियस। मतलब कल से हम दोनों एक दूसरे के लिए होंगे वाइफ एंड हस्बैंड। Wait, let me get this straight. So you mean to say living together, huh? No, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा living together एक खेल होगा। क्या बात कर रहे हो तुम? Let me explain. Okay, अभी तक हम दोनों ने एक साथ 3-4 घंटे साथ में बिताए हैं, और इन 3-4 घंटों के लिए हम दोनों ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी है, हमने अपनी पसंद के बारे में बात की और वही किया जो एक दूसरे को पसंद आया, उसके बाद अपने अपने घर चले गए और अगले दिन का इंतजार करने लगे, फिर मिलना, सेपरेशन, गाना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ तक कि पिक्चर तो रोमांटिक है, सब कुछ सपने जैसा हो गया, लेकिन अब से हम दोनों को साथ में रहना है। तुम्हें जो पसंद है वो तुम करो, और मुझे जो पसंद है वो मैं करूंगा। हमें एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी। फिर साथ रहना मतलब? मतलब हमें एक घर किराए पे लेना है। घर किराए पर? मतलब सीक्रेट तरीके से शादी करके किराए के घर पे रहना होगा। किसे पता चल गया तो? हाँ, इस शहर में किसी के पास खुद को देखने के लिए टाइम नहीं है, हमें देखकर वो ऐसा सोचेंगे कि हमने हाल ही में शादी की है।
साथ रहने का मतलब हमें सब कुछ करना पड़ेगा? सब कुछ मतलब? वही मेरा मतलब सब कुछ। कम ऑन यार। मतलब पता होना चाहिए ना। जब हम एक साथ रहना शुरू करेंगे तब स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हम जिस शादी के लिए इतना डर रहे हैं वो एक बार एक दूसरे को समझ जाने के बाद खत्म हो जाएगा। फिर तय हो जाएगा कि हमें साथ में रहना है या छोड़ देना है। एक दूसरे को समझ नहीं पाए तो उसके बाद क्या करना है ये सोच सकते हैं ना स्वीटहार्ट। आखिर खेल ही तो है। This is crazy. असली नहीं, हमें एक दूसरे को जानना है इसलिए हम दोनों के बीच होने वाला ये एक सीक्रेट टेस्ट है। ये तो जस्ट हमारी कंपैटिबिलिटी जानने के लिए होता है। जैसे तुम्हें ब्लू पसंद है तो मुझे भी पसंद है, तुम्हें चिकन पसंद है तो मुझे भी पसंद है। ये घटिया लिस्ट की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम तो इसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं और इससे हम दोनों को हमारी कंपैटिबिलिटी समझ में आ जाएगी। सो हर बहस, हर बातें, हर डिसीजन सही साबित होगा और ये कितना इफेक्ट करता है ये पता चलेगा। हमारी मैरिड लाइफ का ये एक डेमो वर्जन होगा। Ready? Hey, ready हो ना? Super duper. एक हफ्ते में हमारा खेल शुरू हो जाएगा और हम एक प्राइवेट फ्लैट को रेंट पर ले लेंगे और साइलेंटली इस खेल को मूव करेंगे वाइफ एंड हस्बैंड की तरह। ओके गॉड ओके ओके ग्रेट। वेलकम टू अनिल वर्सेस अनन्या लेवल 1। नाम चलो साथ में रहते हैं। चलो चलो अब हम लग जाते हैं शादी के काम पे। ये बात, तू और वो लड़की किसी को पता ना चले ऐसे घर लेने वाले हो। हाँ भाई। और वो लड़की मान गई? तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना? मैं क्यों नहीं मानूंगा, वो लड़की तेरे साथ मस्त प्लान करके खेलने वाली है और उसके मम्मी पापा तेरे साथ फुटबॉल खेलेंगे। अभी ना तू शादी को लेकर बेवकूफ वाली फिलोसॉफी बता रहा है। अरे बात तो माँ बाप की है ना, वो तो हम दोनों संभाल लेंगे। भाई तू वहाँ पर देख ले, मैं तो गाँव में हूँ। तुम दोनों ने तय किया है तो सही होगा। मतलब सब कुछ ही होगा यार। लाइफ सेट हो गई मेरे भाई। ऐसा कुछ नहीं है यार, ये बस हम दोनों के लिए एक टेस्ट है जानने के लिए कि क्या हम साथ रह सकते हैं। मैं तो समझ गया, लेकिन जल्दबाजी में लोचा मत कर देना। जो भी करना है आराम से धीरे धीरे करना है। सब्जी काट के उसको देना है। अबे बकवास बनकर, ये सीरियस और सीक्रेट है, मैटर लीक हुआ तो मार डालूंगा। अरे फिकर नॉट, काम पे लग जा। इस गेम का थर्ड अंपायर मैं हूँ समझा। अगर मुझे डाउट हुआ ना तो बॉक्स में जाके ग्रीन लाइट दबा दूंगा और तुझे नंबर दूंगा। तू नहीं सुधरेगा भाई। एंजॉय। कड़वा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। मैं अपनी मैरिड लाइफ से हमेशा खुश हूँ। तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा उससे मैं डरी हुई और परेशान नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लड़ते नहीं हैं। हाँ पर आपने कहीं तो कॉम्प्रोमाइज किया होगा ना? इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं, सुधार कह सकती हो। मैंने कई लड़कियों को देखा है जो अपने हस्बैंड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, लेकिन वो लाइफ में दूसरी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। अच्छा, ये खेल एक दूसरे को समझने के लिए है। ओके, माँ की तरफ पापा का बिहेवियर देखा है, ऐसी सिचुएशंस में अनिल कैसे बिहेव करता है ये देखना है। नो नो, ये गलत है। अपने पापा के नजरिए से अनिल को मत देखो, लड़के को लड़के की तरह देखो और डिसाइड करो। ओके मम्मी। और थोड़ा संभल कर। मॉम डैड को पता चले बिना शहर से कहीं दूर फ्लैट लेने के लिए कहा है। मैंने जो कहा मेरा मतलब उस तरह से नहीं है। What? लता, how can you? फिक्र मत करो, मैं हमेशा सावधान रहूंगी। तुम्हें कुछ पता नहीं है बेबी, इसीलिए मैं बता रही हूँ। ओके मम्मी, मैं ध्यान रखूंगी। देखो माँ, यहाँ आना बंद कर दो, आपको समय नहीं दे पाऊंगा। तुम जल्दी शादी कर लो, मेरी बहू मुझे ले जाएगी। हाँ अब तो यही बचा है। वैसे क्यों, उसके साथ मिलकर चोरी का धंधा शुरू करना है क्या? चुप रह, ऐसी बातें नहीं करते। मैं 2 महीने तक इम्पोर्टेंट बिजनेस में बिजी रहूंगा, आप गांव में रहना, समझ गई ना? टेंशन मत लो, मैं यहाँ नहीं आऊंगी। ऑफर में है मैडम, 3+1। 3+1 और इसके साथ क्लॉथ भी फ्री है। देखिए ना, ये नया है, देखिए एकदम फ्रेश है। ये क्यों चाहिए?
बाथरूम साफ करने के लिए है सर, क्या आप अपना बाथरूम साफ नहीं करते? मतलब ऑफर मत भूलना मैडम, बहुत अच्छा ऑफर है, भूलना मत मैडम। क्या तुम बाथरूम क्लीन नहीं करोगे? घर में नौकर रखा है हमारे। ए, हमारे घर में नौकर नहीं होंगे, अगर नौकर रखे तो। अच्छा सुनो, ये लो मेरा शेयर। जरूरत नहीं है, मैं देता हूँ ना पैसे। रहने दो सर, लड़कियाँ लड़कों के साथ कहीं बाहर जाएं तो लड़के पैसे खर्च करते हैं, ये आजकल का फैशन बन गया है। मैं खुद पैसे दे सकती हूँ। ओके ओके फाइन, 4050 सर। ये ऑफर में है सर। अच्छा, इसके लिए आपके पास ऑफर भी है? क्या ऑफर है? एक घंटा फ्री है सर। क्या मतलब? ऑफर है सर, बस। रहने दो रहने दो। ये पैकेट इसी कंपनी का है? हाँ सर। लोग कह रहे कि ये पैकेट इसी कंपनी का है। हाँ सर। मार डालूंगा ऑफर देने वाले को। ठीक है दे दो। अरे राजू, ये सर कह रहे हैं ऑफर देने वाले को मार देंगे, आके देखना जरा। ओके सर, पागल हो गया? ये मैंने नहीं लिया है। अरे हो, इसकी तो इतना लफड़ा, दिस इज टू मच, जैसे कि ये चॉकलेट है और ये छोटा सा बच्चा। ओह गॉड, अरे रे 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 रे, टेस्ट। या अगर थोड़ा सा नमक कम होता ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता। वैसे काम चल जाएगा? नहीं नहीं, पसंद नहीं है। हाँ, बस इतना ही है ना। खाना तो बाहर गांव में या होटल में भी बनाया जाता है, लेकिन वो लड़की ने ही बनाना चाहिए, उसका तो कोई मीनिंग नहीं है ना। लड़के खाना बनाते नहीं है क्या? हाँ, लेकिन काम करने वाला लड़का नहीं चाहिए, हमारे घर में ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन हमारे घर में जरूरी है स्वीटी। वैसे उस रात को वो सैटिन टॉप क्या था, वो सिली स्कर्ट क्या था, और तो और उसके अलावा नूडल्स कॉफी का जलवा बहुत ही अलग था। पागलपन था और कुछ नहीं। और तुमने क्या किया, वो रुमाली रोटी बनाने के नाम पर जो ओवर एक्शन किया उसका क्या? ए, रिलैक्स, जस्ट जोकिंग। हाँ, फिर भी बहुत ही इंस्टेंट है ना, कैसे इंप्रेस करना है ये तो समझ में ही नहीं आया। वो मेरी माँ के लेवल का था ही नहीं। अगर मेरी माँ जैसी शादी हो गई तो? मेरी माँ जैसी नहीं चाहिए तो फिर माँ का जिक्र क्यों हो रहा है? छी, मुझे नहीं पसंद तुम्हारे साथ वो सब करना। हाँ, इसलिए लता से मिल के आई हूँ। ओके ओके सॉरी, हमारा रूल क्या है, एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश नहीं करनी। सो आज हम दोनों टीवी देखेंगे। ओके। आज श्रीलता की बैटिंग है, श्रीलता के साथ और ईश्वर क्या कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगी तुम्हें, मैं दिखाऊंगी तुम्हें। हे, लो खाओ, इट्स हॉट, बहुत अच्छा है। ए, ये क्या है, ऐसे क्यों फेंक दिया? हाँ पैर हटाओ। क्या हुआ, बोलो तो। क्या है? अरे बोलो, तुम बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? मैं क्या बोलूं? मैंने क्या किया? अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा बताओ, एक पति और पत्नी इस अकेलेपन में क्या क्या करते हैं? योर ऑनर, मुझे भी वही करना है। हम अभी पति पत्नी हुए नहीं है, बस एक खेल खेल रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता, नेट प्रैक्टिस भी तो खेल का हिस्सा ही होता है ना, तेंदुलकर को भी टेस्ट देना पड़ा था। अनिल प्लीज वल्गर बातें मत करो, इस सब के लिए मैं पहले ही मना कर चुकी हूँ ना। हाँ, हमें अपनी जरूरत का भी तो ख्याल रखना है। तुम्हारी पसंद के लिए मुझे मजबूर होना पड़ेगा? मतलब ये सब तुम्हें पसंद नहीं है? इस सब के लिए मैं मेंटली अभी रेडी नहीं हूँ। हे, इसके लिए क्या सोच रही हो, बस एक इशारा कर दो तो तुम्हें ऐसी ऐसी वाइब्रेशंस दिलवाऊंगा। अनिल प्लीज, आई एम सीरियस, आई एम नॉट रियली रेडी फॉर दिस। और पति पत्नी का भी तो मूड होता है ना। बाप रे, चांस मारने के लिए वेट कर रहे हो, है ना? ए, जो मुझे चाहिए वो तुम्हें भी चाहिए, नाटक मत करो। चाहिए, पर कब चाहिए ये डिसाइड करने का हक मुझे है। अच्छा,
अगर हक की बात करनी हो ना तो उसके लिए कोई और जगह सही है, नो इश्यूज। अनिल सुनो, इतनी जल्दी ये सब, प्लीज गिव मी सम टाइम। करेक्ट, आई एम सॉरी। ओके अग्रीड, मैं बेडरूम में और तुम हॉल में। हॉल में? एक्चुअली तुम मुझे सोफे पर सुलाना चाहती थी ना, हाँ? तुम्हारे लिए यही सोफा करेक्ट है। ए! जा जा जा। मेरा प्यार और एहसास तुम्हें कभी दिखाई नहीं दिया ना? मैंने तुमसे प्यार किया और ये मेरा चैलेंज है। सुबह ये टीवी क्यों चालू किया और तुमने ये बीन बैग क्यों खींचा? ये यहीं पर था। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं अनिल। हेलो, ये मेरा भी घर है और बीन बैग भी यहीं रहेगा। अच्छा घर में झाड़ू लगा दो, मैं दूध उबालने रखती हूँ। हैं? हॉल और बेडरूम में तुम झाड़ू लगाओ, मैं कॉफी बना लेती हूँ। ओके? क्या क्या क्या, हॉल और बेडरूम? सफाई कर दो, देख क्या रहे हो? मैं करूँ? इस घर में हमारे सिवाय कोई और है, मैं का क्या मतलब? जब तक झाड़ू लगा रहा हूँ तुम कॉफी बनाओगी क्या? ओके, मैं लगा लूंगी, तुम कॉफी बनाओगे? स्वीट हार्ट, हम ना झाड़ू लगाते हैं और ना धोते हैं, ये सब हमारा काम नहीं है। घर में तो ये सब करने के लिए नौकर चाकर आते हैं। इस खेल का यही नियम था? यस, खराब मौसम की वजह से आज का इवेंट कैंसिल हो गया है। भूल गई क्या, हमें खेल को पूरी तरह से खेलना है। मम्मी पापा को तुम्हारे नाटक का वर्जन पता नहीं है, और मेरे वर्जन में पापा झाड़ू और पोछा जूठे बर्तनों को टच भी नहीं करते हैं। ये सब तो माँ का डिपार्टमेंट है। सो कॉफी। एक और बात डार्लिंग, तुम्हारे मुंह में टूथब्रश देखकर ना थोड़ा गंदा लग रहा है, सो हम अलग अलग रूम में जाकर फ्रेश होके आ जाते हैं, मजा आएगा। हाँ क्या कर रहे हो, इस तरह कोई करता है क्या? सही से किया करो। सॉरी साहब। अपार्टमेंट की चाबी बैग में रख ली ना। इस्त्री के लिए कपड़ा दीजिए ना साहब, तीन बच्चे हम बहुत मुश्किल में हैं। मुश्किल है तो तीन बच्चे पैदा क्यों किए? कहा बताए सर, ये बात इनके पैदा होने के बाद पता चली। आपको भी धीरे धीरे पता चल जाए। मैं दूंगी। शुक्रिया मैम साहब। ये सब लोग तो बस बच्चों को जन्म देना जानते हैं, बेवकूफ। अरे भूल तो सभी से होती है ना, अब चलो। वो बहुत गुस्से वाले लगते हैं। नई नई शादी हुई है ना, मुसीबत शुरू होते ही देखना इनको भी सब पता चल जाए। हमें क्या करना है? हाय पीपी। हाय लता। हाय, तो कैसा चल रहा है तुम्हारा लिविंग टुगेदर गेम? इतना ही कहूंगी कि बस चल रहा है। ये यहाँ पर कैसे आया? अरे अनन्या आंटी को इतना पसंद करता है। क्रेश में कुछ बच्चे बीमार पड़ गए थे, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आई। मैं इसे विक्रम को दे दूंगी जब वो अमेरिका से वापस आएगा। मैं शॉप में थक जाती हूँ, फिर मैं वेकेशन पर चली जाऊंगी, मुझे परेशान मत करो। जिगीशा प्लीज डिस्टर्ब मत करो। शाम को तुम मेरे साथ मेरे बाइक पर चल सकती हो? मेरे पास स्कूटी है, मैंने टायर से हवा निकाल दी है। अभी तेरा स्क्रू ढीला है क्या? अरे बापरे, तुम्हें देख कर मुझे डर लग रहा है, लेकिन ये डर इतना प्यारा क्यों है? इडियट, गेट लॉस्ट। क्यों भाई, तू अब तक यहाँ है तो शाम की पार्टी में कैसे आएगा? पार्टी? कैसी पार्टी? बॉयज पार्टी, तू भी शाम को आ जाना, क्योंकि तू जिगीशा के चक्कर में फंस गया तो फिर मौका नहीं मिलेगा। अबे तेरी तो, अगर ये बात तू पहले बताता तो मैं जिगीशा की स्कूटी से हवा नहीं निकालता यार। अगर अब मैंने उसे घर नहीं छोड़ा ना तो वो मुझे मार डालेगी। उसे घर छोड़ने के बाद आ जाना। चलो चलते हैं। मैं आई कम इन सर। क्या बात है, ग्रुप में आए हो? आज राजेश जी का बर्थडे है, शाम में स्पोर्ट्स बार में पार्टी है। हैप्पी बर्थडे राजेश। थैंक यू सो मच सर। इसलिए सब लोग जल्दी जा रहे हो? आपको भी आना है सर। मुझे? हाँ। कितने बजे? ऑफिस के बाद निकल जाएंगे और आधी रात तक खूब मस्ती करेंगे। थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है? मुश्किल, मुझे घर जाना है। आप भी तो हमारी तरह बैचलर हो ना सर, आपको आना चाहिए। प्लीज सर, मैंने इसीलिए फैमिली पार्टी पोस्टपोन की है सर। चलिए ना सर, चलना ही होगा सर। चलिए ना सर, ट्राई करता हूँ। अच्छा, मुझे घर पर छोड़कर एंजॉय करना चाहते हो? मैं भी आऊंगी। नो नो,
अच्छा अब तुम्हें जलन हो रही है? असल में राजमंड्री के एरोबस में फर्स्ट टाइम पब में कौन ले गया था भूल गए क्या तुम? ए, ये ओनली बॉयज पार्टी है और ये छोड़ी नहीं रहे, एक घंटे की बात है। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? अरे तुम हर बात को मजाक क्यों समझ लेती हो? इतनी जल्दी बोर हो गए ना मुझसे? ए, अनन्या कम ऑन, मैं डिनर लेके आऊंगा ना। गलती करने की रिश्वत दे रहे हो? ए, इसमें गलत क्या है? मैं दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा सकता। ओनली 2 आवर्स यार। तुम ना बाहर में जाओ। Yes, मैं और मेरी बीवी 25 साल से खुश थे। उसके बाद क्या हुआ? हमारी शादी हो गई। भाई लोगो, डांस फ्लोर पे पर्पल और व्हाइट वाली को देखो। 25 साल की लग रही है। मेरी बीवी उस उम्र में गर्भवती थी। इसने बढ़िया मेंटेन करके रखा है। सर आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? हे, चुप करना। रुक बे, ये ऑफिस में बॉस है, पब में हमारे बॉस नहीं है। तू चुपचाप दारू पी। सर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? होगी भी तो क्या है। लेकिन उससे शादी मत करना। क्यों, किस लिए? ज्यादा सवाल मत पूछो, बस मान लो। शादी के बाद जस्ट एक महीने में इंटरेस्ट चला गया। रोज वही शक्ल देखनी पड़ती है, वही खाना खाना, वही चेहरा देखना। आपकी बीवी भी तो आपका चेहरा देखती है। वो अलग है, लेडीज एडजस्ट हो जाती है बॉस। घर ही उनकी दुनिया बन जाता है। हम हमेशा बाहर रहते हैं। अगर एक लड़की के सारे सीक्रेट्स आपको पता चल जाते हैं तो जानने के लिए क्या रह जाएगा? फिर दूसरी लड़की का सीक्रेट जानने का मन नहीं करेगा? है? अगर मैं पर्पल लड़की के पास जाऊं तो उसके सीक्रेट्स पता चल जाएंगे। फिर ब्लू टॉप, रेड टॉप, ग्रीन टॉप, व्हाइट टॉप, सोचिए लाइफ कितनी टिप टॉप हो जाएगी। अच्छा मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया। क्या? यू गाइस हैव फन। अरे सर, मत जाइए सर। इट्स ओके गाइस, यू कैरी ऑन। सर रोहित तुम पे कर देना, मुझे कल बिल दे देना। ओके बॉस, बाय। आए क्यों, लेट नाइट तक रुक सकते थे ना? बिल्कुल नहीं, मैं जल्दी आ गया क्योंकि तुम अकेली थी। मैंने ओके कह दिया था ना। हाँ, परमिशन के लिए फोन नहीं किया था। बताना मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, इसलिए बताया। अच्छा, गुस्सा तो देखो छोटे बच्चे की तरह। ए, चाहे कुछ भी बोलो पर छोटा बच्चा मत बोलना। छोड़ो, मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी फिक्र है, इतना ही काफी है। ऐसी बात नहीं है, मैं अपने दोस्तों के साथ समय भी नहीं बिता सकता। हाँ कर सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें मेरे साथ घर में रहना, वक्त बिताना, मेरे लिए सब कुछ करना पसंद नहीं है? तुम चाहती हो कि मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहकर डांस करके तुम्हें एंटरटेन करूं? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। हे, आर यू ओके? क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं, बस मामूली। मतलब चम्स? चम्स मतलब? आज मेरा फर्स्ट डे है। हमें आए 10 दिन हो गए हैं। इडियट, ग्रो अप, मुझे पीरियड्स हैं। मासिक में लेडीज बाहर रहती हैं 3 दिनों के लिए। अच्छा, हमारी जगह तुम मर्दों को बाहर रहना चाहिए। दर्द सहने की बजाय दवा ले सकती हो ना? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कितने अच्छे हो। ए, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। शट अप यार, चुपचाप खाना खाओ। दर्द हो रहा है तो मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? अनिल, ओके सॉरी। ए, जाओ यहाँ से, तुम्हें दर्द सहना बहुत पसंद है ना, तो जाओ दर्द को एंजॉय करो। क्या बोला? तुम जाओ। अनन्या, ए अनन्या, ए क्या हुआ? पेट दर्द हो रहा है, मुझे उल्टी का भी ख्याल हो रहा है, मोशंस भी है, लगता है बिरयानी हजम नहीं हुई। लेकिन खाना तो मैंने एक अच्छे होटल से लाया था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मुझे हजम नहीं हुई, यही मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है ना? हे, ओ गॉड, इसके लिए दवाई ले लो, अच्छा लगेगा, झगड़े से दर्द तो नहीं कम होगा ना? झगड़ा झगड़ा, गेट लॉस्ट अनिल, मुझे दवा नहीं चाहिए, तुम जाकर अपना काम करो, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। हे, तो अब मैं क्या करूँ बताओ? डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं ये दर्द सह नहीं पा रही हूँ। टाइम तो देखो 12 बजे हैं। सॉरी अनिल, दर्द को नहीं पता कि 12 बज गए हैं। रुक जाओ, जाओ अपना चेहरा धो लो, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। किसी फैशन शो में नहीं जाना है, आई एम डाइंग हियर। ओके ओके, चलो जल्दी चलो। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, पेट में दर्द है। चलो गांव में सबको बताना जरूरी था? कम से कम कोई तो मेरा दर्द समझ सकता है। इसे खाने से उल्टी नहीं होगी, साहब संभाल कर ले जाना। क्या हुआ? और क्या होगा, मासिक दर्द। साहब की तकलीफ शुरू हो गई। सो जाओ,
देखो तुम्हें थोड़ा फूड पॉइजन है, बाहर का खाना मत खाना, फ्रिज का खाना भी अवॉइड करो। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, रिलीफ हो जाएगा, और बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लव मैरिज है। रिव्यू आफ्टर 4 डेज। कल सुबह अपने घर चली जाओ। मेरे घर? लेकिन क्यों? क्यों क्या, तुम्हारी कंडीशन सही नहीं है। अगर हम साथ रहेंगे तो ये सब तो होगा ही ना। वो सब हम बाद में देख सकते हैं। हम साथ तो है ना। ये अलग है, जस्ट अ गेम, बस इतना ही। हाँ तो तुमने ही कहा था ना कि रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते हैं। हाँ, और तुमने अब तक कोई रूल ब्रेक नहीं किया ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या ब्रेक नहीं किया ना? तो तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें ये परेशान करने के लिए किया है? तुम चाहती हो मैं तुम्हारे हिसाब से ये खेल खेलूं, ऐसा ही ना? नहीं। कहानियां मत सुनाओ, तुम डर गई थी। नॉनसेंस, तुमने मुझे इस बारे में पहले नहीं बताया। नहीं बताया क्योंकि पता नहीं था हमारे साथ ये सब भी होगा। क्या पता अगर हम दोनों साथ हो और आगे क्या क्या हो जाए। ये सब जानने के बाद अगर तुम ड्रामा कर रही हो तो इसका मतलब तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। अनिल प्लीज। ऑफ कोर्स तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, तुम खुद नहीं जानती तुम्हें कैसा इंसान चाहिए, लेकिन तुमको बस मेरा टेस्ट लेना है, यही ना? नहीं। और क्या, झूठ मत बोलो, नहीं तो अचानक से तुम्हें अपने हक का एहसास क्यों हुआ? प्लीज अनिल, मेरी तबीयत ठीक नहीं। ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था, मुझे बीमार लोगों से नफरत है। ये कोई बीमारी नहीं है, नेचुरल है। मैं नेचुरल बीमारी से भी नफरत करता हूँ, ओके? हेलो, सॉरी बॉस, मैं एक लड़की हूँ, ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। हाँ, लड़के ये नहीं जानते और आपके मेकअप से लेते चेहरे पर फिदा हो जाते हैं। ये क्या बक रहे हो तुम? कल तुम अपने घर चली जाओ बस, जब ठीक हो जाओगी तब हम शुरू करेंगे। मतलब तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे क्या? मुझे बीमार होने से नफरत है, अगर मैं बीमार पड़ गया तो मैं अपने घर चला जाऊंगा, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। सॉरी अनिल, मैं नहीं जाऊंगी। मतलब मुझे यहाँ रहकर तुम्हारी चाकरी करनी होगी? देखो, इस गेम को बीच में खत्म नहीं कर सकते। अरे चुप, बेकार बेवकूफ गेम, गेम कैंसिल, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, दुखी जीवन शुरू हो चुका है। अनिल डोंट बी स्टूपिड। यू डोंट बी स्टूपिड। अनिल यू कांट लीव मी। व्हाई नॉट? टाइम पे चेक दे देना। या ओके सर। या कम इन। मुझे एक प्रॉब्लम रिपोर्ट करनी है। क्या? वो राजेश मेरी कोई बात नहीं सुनता सर। मतलब? आओ राजेश। मेरी बात कर रही है सर। क्या प्रॉब्लम है सर? ये और इनके दोस्त जो लंच टाइम पर बैठते हैं वो टेबल प्लेसमेंट सही नहीं है सर। इतना ही नहीं, ये हमेशा बैठकर बस गॉसिप करते हैं, और अगर कोई लेडी कस्टमर आई तो उस पे गंदी टिप्पणियां करते हैं। इस ऑफिस में लोग हमारी बकवास सुनने नहीं आते, डेकोरेशन का सामान लेने आते हैं, समझे? ऑफिस इंचार्ज मैं हूँ, मुझे ये पसंद नहीं। आप ऑर्डर घर में चलाओ, हमें जो पसंद होगा वो हम करेंगे, समझिए ये ऑफिस है, समझाइए सर। मेरे लिए ऑफिस ही मेरा घर है, समझे? सुनिए झांसी की रानी, मैं शांति से रहने के लिए ऑफिस आता हूँ, घर में मेरी बीवी टॉर्चर करती है और यहाँ पे आप? ओए, माइंड योर लैंग्वेज। नो राजेश, नो, इस तरह बात करना नॉट अलाउड, प्लीज अपोलोजाइज। सर नो अपोलोजाइज, सॉरी। हम सबको मिलकर एडजस्ट करना चाहिए, ये क्या रोज का झगड़ा बच्चों की तरह, ग्रो अप। जिगिशा, ये लंच टाइम है, वहीं पर बैठेंगे, तुम्हें ऑब्जेक्ट नहीं करना है, ओके? ओके सर। क्या राजेश? ओके सर। यहाँ आने वाले कस्टमर्स के लिए नो सिली जोक्स, आया समझ में? ओके सर। You may go. Thank you, sir. इनका तो ये रोज का झगड़ा है, ये बताओ इन्हें रोज कैसे मैनेज करोगे? मैनेजमेंट रोहित, मैनेजमेंट, मैंने वही तो सीखा है। हेलो। हेलो, हाँ लता जी, मैं हूँ। हाँ अनिल, वहाँ अनन्या आई है क्या? नहीं आई, उसने फोन करके बताया कि वो नहीं आएगी और बहुत सारा काम पड़ा है। क्या हुआ? ओके, थैंक यू, बाय। का हुआ, चाबी नहीं है? अच्छा, मैडम? मैडम का हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देखा था। कहाँ, कौन सा कॉम्प्लेक्स? मुझे अभी बुखार है, लेकिन फिर भी मुझे कोशिश करनी पड़ेगी।
मेकअप लगाकर तुम्हें फंसाने के लिए अनिल। अनिल कुछ मत कहो। I'm very sorry। चलो हम घर चलते हैं। हे, तुमने टैबलेट ले ली? मुझे लगा नहीं था तुम वापस आओगे। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? तुम क्यों आए? मुझे नहीं पता। भूख लगी है तुम्हें? थोड़ी सी। क्या खाओगी? मुझे बाहर का नहीं खाना है। ठीक है, अब तुम सो जाओ। मैं बस अभी आता हूँ। कुकर में पहले दाल डालेगा, उसमें स्वाद अनुसार थोड़ा नमक भी डालेगा। चावल घी के साथ दे दे। ओ तेरी, तू खाना बना रहा है? खाना बर्तन पोछा सब तू ही करता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है यार, मेरा पेट जल रहा है ना, इसलिए खुद बना रहा हूँ। अबे सच बोलना। सच है बे, लेकिन मैं खाना बना रहा हूँ, ये बात किसी को बताना मत। संभल के बेटा, औरतें शेर से खतरनाक होती हैं। प्यार में जीवन बर्बाद मत करना। हर पीली चीज सोना नहीं होती, समझा क्या? ए, जानता हूँ तेरी बीवी तुझे बुला रही है, चुपचाप चला जा, मैं फोन कट कर रहा हूँ। थैंक यू। आ रहा हूँ। अनन्या, तुमने बनाया? मैंने बस कोशिश की है। हे, क्या हुआ? क्या हुआ, अच्छा नहीं है? इतना अच्छा बना है कि थैंक्स। खाना ठंडा हो रहा है। क्या कर रही हो? कल रात जो हुआ उसका क्या रिजल्ट होगा वही देख रही हूँ। क्या कहा? ओह गॉड, गलती मेरी है, सब मेरी ही गलती है। नहीं अनन्या, मेरी है। हाँ तुम्हारी है, फ्री थे तो पैकेट ले लेते ना, टाइम पर काम आता। तो उस दिन पैकेट तो खरीदा था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, और आज खुशी और आवेश में मैं भूल गया। तुम तो याद दिला सकती थी। तो क्या मुझे नहीं हो सकती खुशी या आवेश? तब अब क्या है, सजा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी ना। बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर ये सब हो गया। मतलब बाबू, राजमंड्री के शहजादे, क्या आप कुछ नहीं जानते? राजमहल से कभी बाहर निकले हैं क्या? कुछ चीजें कभी कभी नहीं होनी चाहिए। तो यही तो कारण है कि हमने मुहूर्त देखा है। हाँ, ताकि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। गॉड। गॉड क्या गॉड, जरा मेरे बारे में सोचो, ये काव काव करने से कुछ नहीं होगा। शट अप अनिल, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? मुझे डर है कि अगर ये सच हो जाएगा तो तुम 9 महीने में यू विल बी अ फादर ब्लडी हेल। थोड़ी तो मैच्योरिटी दिखाओ। मेरी ही गलती है जो मैं इस बेवकूफ गेम के लिए तैयार होकर यहाँ आ गई। अच्छा एडवांटेज लिया है मैंने। एडवांटेज? तुम सारा इल्जाम मुझ पर थोप रही हो ताकि खुद को सही बता सको, है ना? और ये सारी कोशिश इसलिए कर रही हो ताकि सिंपैथी मिल सके। अगर देखा जाए ना तो तुमने मुझे ट्रैप किया है,
मैंने तुम्हें ट्रैप किया है, डोंट बी स्टूपिड। ए, तुम्हें सावधानी रखनी चाहिए थी ना, और वैसे भी आजकल तो ये सब मामूली है। मामूली किसके लिए, किसके लिए? मेरे लिए नहीं। ओके, अभी जो कुछ भी हुआ है, ओह गॉड, आई एम नॉट रियली रेडी फॉर दिस। हाँ, और मैं जैसे कि बच्चों के लिए बैठे बैठे वेट ही कर रहा हूँ। असल में बच्चों से मुझे सख्त नफरत है। प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को बेहद खुश रहना पड़ता है। पति का कर्तव्य है ऐसे समय में उन्हें प्यार करना और उनका ख्याल रखना। अधिक जानकारी के लिए आप। ये तो ऐसा हो रहा है जैसे दुनिया हम पे गिर रही हो, मुझे क्या पता। यू शट अप, जस्ट शट अप। तू खत्म हो गया, तेरा बुकिंग क्लोज। मेरी अभी गंभीर समस्या है और तू ये क्या बोल रहा है यार। समस्या तू नहीं है, मैं हूँ। कान खोल के सुन, वो शाकाल की भतीजी है, समझा? तुझे ट्रैक पर लाना चाहती है। मतलब? मतलब क्या मतलब बोल रहा है? मैं नदी में आया हूँ डुबकी लगाने के लिए, समझा? भगवान का नाम ले रहा हूँ ताकि अब तक के सारे पाप धुल जाए, और तुझे गेम सिखा के नए पाप भी कर रहा हूँ। अरे एक ही बार में प्रेग्नेंट होना जरूरी नहीं है, मैंने नेट पर देखा है। बातों से बच्चे हो जाते हैं, मैंने किताबों में पढ़ा था, लेकिन मेरा तो नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूँ यार? हाँ तो ऐसा कर, किसी मंदिर में जाके दर्शन कर ले, फिर दोस्तों को जमा करके टैंक फुल कर देना, फिर पार्टी कर, जो भी करना है मजे कर, ठीक है? मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, तू कर ले मुझसे ये सब। चल ठीक है। मुझे नहीं पता मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ। तुमने आईपीएल ली क्या? मैं सोल्यूशन के बारे में नहीं सोच रही, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ए, तुमने अपनी सीमा पार नहीं की है। ओके, तुम अनिल से प्यार करती हो ना, तुम उसी से शादी करोगी ना? ऐसा नहीं है लता, अगर ये मुमकिन नहीं होगा तो। जब तक मुमकिन नहीं होगा तब तक तुम ये खेल खेलती रहोगी। डोंट से दैट लता, इट्स ओके, डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूँ ना। सुपर फंटास्टिक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, दर्शकों ने हॉट फेवरेट अदाकारा का चयन किया है, वो है मिस कल्पना श्रीधर। इसके लिए बेस्ट न्यू वैम्प का अवार्ड देने के संदर्भ में मैं मिस कल्पना से गुजारिश करता हूँ। मुझे एक्टिंग का हमेशा से शौक रहा है, ये शौक पालकर मैंने जो गलती की उसके बाद मुझे ये अवार्ड मिलेगा, मैंने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। जो मेरे अभिनय को पसंद करते हैं और जो नफरत भी करते हैं, ये अवार्ड उन सारे लोगों को समर्पित करती हूँ। तुम कब आई? अभी अभी, दरवाजा खुला था। मैंने तुम्हारी माँ के लिए खुला छोड़ दिया था, लेकिन वो वहां उलझी हुई है। तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? ओके। तुमने देखा बेस्ट वैम्प, और ये था उसका जवाब। मुझे कुछ बुक्स चाहिए थे, वही लेने आई हूँ। शाम को फिल्म देखने चले क्या? हॉरर फिल्म देखेगा क्या? अरे बाप रे, मुझे डर लगता है। डरता काहे को है? मैं हूं ना राजेश। राजेश, अनीता तुम यहाँ क्यों आई हो? आज मदर्स डे है। मदर्स डे तो तुम्हें बुके चाहिए? शट अप, औरतों के गर्व के दिन भी क्या मुझे फ्रीडम नहीं है? तुम्हें फ्रीडम क्यों चाहिए? आज के दिन इसका ख्याल रखो, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है। अनीता डोंट बी सिली यार। ये सिली नहीं है, कई देशों में जॉब पर बच्चों को ले जा सकते हैं, ऐसा रूल होता है। किस बेवकूफ ने रूल बनाया है? डोंट वरी, हमारे देश में ये रूल नहीं है, समझी? यहाँ सीन मत क्रिएट करो। नहीं, क्यों ना करूं? आपने मुझसे झूठ बोला कि आपको ऑफिस में काम है, और आप पार्टी में डांस कर रहे थे और दूसरी लड़कियों के साथ गाड़ी में घूम रहे थे। अनीता, मैं दूसरी लड़की के साथ? चा, 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 चा। ये तुमसे किसने कहा? मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे ये सब बताया। तुम्हारे रिश्तेदार पब गए तो ठीक है, मैं गया तो गलत हो गया? शट अप, वो एक बैचलर है। बैचलर, ये शब्द सुन के कितना अच्छा लग रहा है। चुप करो, अगर अकेले ही रहना था तो मुझसे शादी क्यों की? खुद कहीं भी एंजॉय कर सकते हो, लेकिन चाहते हो मैं घर पर रहूं? मैंने कब मना किया है? कहो तो चलो आज पब चलते हैं और मजे करते हैं, चलो ना। नो, अब पॉसिबल नहीं है, तुमने मौका गवा दिया। तुम उसकी देखभाल करो, मैं शाम को आती हूँ। अनीता, अनीता लग गई। ले 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 ले, चुप हो जा बेटा। जिगी, मैं क्या कहता हूँ, अगर हम अभी जैसे हैं हमेशा ऐसे ही रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। हमारा शादी करना जरूरी है क्या? हाय। कौन है ये? बच्चा है। इतनी जल्दी जन्म कैसे ले लिया? शट अप यार,
ये तो लता का बेटा है ना? लता के हस्बैंड का यूएस में एक्सीडेंट हो गया है तो उसे अर्जेंटली जाना पड़ा। इसका पासपोर्ट नहीं है और ये बीमार भी है, तो मैंने कहा इसकी देखभाल हम करेंगे। What? क्यों? हम लोग और ये बच्चे या कितने दिनों तक? पता नहीं, लता यूएस से फोन करके बताएगी सिचुएशन देखकर। उसका यहाँ पर कोई नहीं है क्या? अगर होता तो मुझे क्यों देती? लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी तुम संभाल लोगी ना? अरे हम लड़कियां हैं, हम आधे घंटे में माँ की तरह ख्याल रख सकती हैं। नेचुरल है ये। तो तुम्हारा काम है जो मैं कहूँ वो करना, ओके? बच्चे के लिए जरूरी चीजें ले आओ। इट्स ओके अनिल, ट्रेनिंग समझ लो, हमारा भी तो बच्चा होने ही वाला है। हाँ, हमारा बच्चा? डोंट वरी, मैंने टेस्ट करवाया, कुछ भी नहीं है। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। थैंक गॉड। $1,050 सर। सर, सर आप फिर से लंबे समय के बाद। चेंज दो यार, टाइम नहीं है। इतनी जल्दी ये सर? अरे लाओ तो मुझे। इस पे ऑफर है सर। हाँ, मेरे पास घर में बम्पर ऑफर है। सर, चलो सर, छोड़ो सर, मुझे इसमें ऑफर है सर। छोड़ो, ये ऑफर लेकर जाओ ना सर। सर सर कंग्रेचुलेशन सर। ये क्या उसने बिल ही नहीं लिया? हो सकता है उसे ऑफर के बारे में पता ही नहीं हो। अनिल 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 अनिल, ए क्या हुआ? उसने डुडू कर दिया, डायपर बदलना है। क्या डुडू? मतलब नंबर टू छी? हाँ वही, जाकर डायपर बदलो, मैं दूध गर्म करती हूँ। रुको, तुम दूध गर्म करोगी, मैं डायपर पहनाऊं? मुझे नहीं आता, तुम्हें करना होगा। ए, छी, तुम पागल हो क्या? जाओ यहाँ से। तुम्हें पता नहीं है बोतल को मुझे गर्म पानी से स्टरलाइज भी करना है। हाँ, वो मैं कर लूंगा। तुम ठीक से नहीं करोगे। क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर बोतल को ठीक से क्लीन नहीं किया तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, पहले से ही वो बीमार है। तुम डायपर बदलो। ए, हाँ? बच्चे का बोझ सर पर ला के रख दिया है। ये सब क्या है? तू दूध तो थोड़ा सा पीता है, फिर ये क्या है डाउनलोडिंग यार? डायपर डस्टबिन में फेंक देना। लेकिन तुम तो माँ का रोल भी निभा सकती हो ना? हाँ, वो तो तुम्हें सिखाने के लिए। इंस्ट्रक्शंस देखो, समझो, तुम्हारे तो रग रग में टैलेंट है ना, उसे बाहर निकालो। अबे तेरी तो हंस रहा है मुझ पर तू। अरे वाह, तुम दोनों में इतना प्यार। ऐसा कुछ नहीं है। डायपर बदलते वक्त तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ, आइडिया नहीं चाहिए। ये हो चुका है। चलो दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो। अरे एक फैक्ट ऑफ लाइफ बताऊं? 40 साल की उम्र में अपने बच्चों की गंदगी देर रात तक साफ करनी पड़ती है। बच्चे पालना आसान नहीं है, और यही सच है राजीव। आपका फ्रीडम, आपकी लाइफ और खुशी सब कुछ गायब हो जाएगी। अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाओगे। अभी जिगीशा के साथ जिगी जिगी कर लो, उसके बाद सच्चाई पता चलेगी। पहले लाइफ में सेटल हो जाओ, जाओ काम करो। अनिल, घर जाते ही गुलामी शुरू हो जाएगी। एस्केप। उन्हें केवल एक की जरूरत है, आप में से तय करें और मुझे बताएं। हमने तय किया है कि मैं आगे जाऊंगी। रिक्शा, और रिक्शा साहब कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। हाँ ठीक, मैं इनके साथ जाती हूँ। बच्चों का ध्यान रखना, खाना चूल्हे पर है। वो हम सब देख लेंगे। टेकिंग बेबी टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? अनन्या कहाँ है? अंदर है। हाय, आई एम अनिल। कहाँ मर गए? कहाँ थे तुम?
बताया था ना काम था। फोन का जवाब नहीं दे सकते थे? 104 बुखार है बच्चे को, अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? ए, मैं कोई खाली नहीं था, गांव में काम था इसलिए फोन ऑफ करके रखा था। मतलब एक बच्चे की जान चली जाए, बारिश में रिक्शा नहीं मिल रही थी, लता का फोन आया तो मैंने उसे कहा कि फिक्र मत करो, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। इट्स ओके, नथिंग टू वरी, इट्स जस्ट अ वायरल फीवर, थोड़ा फीवर है और कोई चिंता की। आपने मुझे बताया ना, ठीक है डॉक्टर, इनको बताने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर आपकी फीस 200 रुपीज। रुको, तुम फिल्म देखने गए थे? छी बेशरम। माय फीस, थैंक यू। हेलो, 2-4 दिन लूज मोशंस होगा शायद, डायपर हमेशा अपने पास रखना, एक्चुअली हाथ से धोना ठीक रहेगा, यू नो इट्स मोर हाइजेनिक। या ओके डॉक्टर, थैंक यू, यू वेलकम। चुप हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, देखो देखो बारिश देखो, चलो चलो। सॉरी, मैं कितना डर गई थी पता है, वो हमारा बच्चा नहीं है। बेचारी रुक्मणी, वो मेरे साथ आई, मैंने इतने टेंशन में उसे सब कुछ बता दिया। क्या सच में बुखार बहुत ज्यादा था? नहीं, झूठ बोल रही थी। मेरा मतलब वो नहीं है। चलो सर, सर टंकी में पानी नहीं और मोटर भी बंद हो गया है, इसीलिए। क्या हुआ? रुको, किसी को मत बताना कि हमारी शादी नहीं हुई है। हम किसी को काहे बताऊंगा, हम भी तो अपने घर से भाग कर आए थे राजधानी की तरह, हमने भी अपना जिंदगी में बहुत मजे किए हैं, बहुत धूम मचाया है, अगर बताने जाएंगे तो शाम हो जाएगी, फिर किसी दिन बताएंगे। ये लो। नहीं नहीं, ये हम ना लेंगे, आप हमका स्त्री के लिए कपड़ा दे दीजिए। हाँ आ जाओ। पापा आप यहाँ, आप कब आए? मैं तेरे घर पर गया था, लेकिन तू घर पर था नहीं। वही, मैं इस घर में हूँ ना। हाँ मतलब आप फोन कर सकते थे ना। अब हाँ सोचा था लेकिन। पापा सब ठीक तो है ना? क्या तू अभी किसी काम में बिजी है? नहीं बोलिए। क्या हम बाहर जा सकते हैं जहाँ भीड़ ना हो, मुझे तुझसे बात करनी है। ठीक है चलो चलते हैं, चलिए। क्या बात है पापा? जब तू हैदराबाद आ रहा था तो मैंने अपने बारे में कुछ कहा था, तुझे याद होगा मैंने अपने प्यार का जिक्र किया था, लेकिन मैंने सब कुछ नहीं बताया। लेकिन अब बताने का वक्त आ गया है। जिसे मैं प्यार करता था उसका नाम श्यामला था, मैं श्यामला से बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे दादा दादी उसे पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी थी, लेकिन वो कहने लगे कि वो अपनी जान दे देंगे, और इसी वजह से मैंने तुम्हारी माँ से शादी कर ली। हमारी एक ही जाति थी, वो धनवान थे और वो मुझसे प्यार भी करती थी, शादी के लिए सभी ने जबरदस्ती की, तभी श्यामला अचानक कहीं चली गई, कुछ बताए बिना ही, ना कोई जानकारी ना कोई खत, ऐसे ही अचानक चली गई। उस गम में मैं खो सा गया था। तुम्हारे दादा ने कहा बेटा मेरे मरने से पहले शादी कर ले, और आखिरकार मैं राजी हो गया और मैंने तुम्हारी माँ से शादी कर ली। दो दिन पहले मुझे एक बात पता चली, वो क्या है जानता है? सुजाता ने, यानी तेरी मां ने धमकी देकर श्यामला को गांव से बाहर भेज दिया। क्या बोल रहे हो पापा ये? हाँ बेटा, मुझसे शादी करने के लिए तुम्हारी मां ने श्यामला के घर और उसके परिवार को बर्बाद करने की चेतावनी दी, उसकी बहन की जिंदगी को तबाह हो बर्बाद कर दिया। भयंकर है वो।
यह आपको कैसे पता चला? श्यामला को निकालने के लिए जिसने मदद की थी वो सुजाता का कजिन था। वो कैंसर से मर रही है, मौत से लड़ रही है। मुझे इसका हिस्सा बना के कहीं चली गई है वो। उसने पाप किया है, इसके बदले उसे हाय लगी है। लेकिन जीते जी मैं मरता रहा। कैसे कहूं? पापा, बस कीजिए पापा। राक्षसी है वो, राक्षसी। सॉरी बेटा। कोई बात नहीं पापा। सॉरी, तुम्हें तकलीफ थी, सॉरी। मेरी शादी तो हो गई लेकिन मैंने उससे कभी प्रेम नहीं किया, बल्कि नफरत ही करता रहा। मुझे लगा तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। पापा माफ करना, मैं तुम्हारी मां को दोष दे रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अब वो मर चुकी है। मनुष्य स्वार्थ के लिए किस हद तक जा सकता है कोई कह नहीं सकता। चलो मुझे कटियम जाना। या स्पाइस जेट या इवनिंग, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके ओके बाय। क्या है, फ्लाइट की टिकट? किसके लिए? मेरे लिए, और क्या? तुम्हारे लिए? लेकिन क्यों? फ्लाइट में जाने के लिए टिकट तो चाहिए ना। अच्छा वही, कहाँ जा रही हो? मुंबई, भूल गए क्या? मेरा इंटरनेशनल पेंटिंग इवेंट। हे, इंटरनेशनल पेंटिंग? ये कब से है? शनिवार से है, 1 वीक। 1 वीक? क्या तुम जाने वाली हो? इसलिए तो मैंने टिकट लिया। तो फिर ये तुम्हारे साथ रहेगा। क्या क्या क्या? ये तुम्हारे साथ रहेगा अनिल। अच्छा तो मुझे इसकी देखभाल करनी होगी। हाँ और क्या। ए, शनिवार आने में अभी भी 4 दिन बाकी हैं। तो क्या हुआ, तो इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मेरी मर्जी, मुझे अकेले रहना पसंद है। तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए? कुछ वक्त के लिए मुझे अकेले ही रहना है। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? ए, जिद्दी विद्दी गया तेरे ने, मैं इस बच्चे से तंग आ चुकी हूँ। आई नीड अ ब्रेक। ए, दिमाग खराब हो गया है? तो मुझे अब अपना बिजनेस और ऑफिस छोड़कर इसे दूध पिलाने और डायपर बदलने के लिए घर पर बैठना होगा। अरे अब तो तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हो। तुम ही इसको दूध पिलाते हो, इसको नहलाते हो और इसके कपड़े भी बदलते हो। ओ, तो हमारी नजदीकी देखकर तुम्हें इनसिक्योरिटी हो रही है। नॉनसेंस, तुमने इसे मुझसे दूर कर दिया इसलिए मैं तुम्हें सजा दे रही हूँ। व्हाट, ये क्या बात कर रही हो? मुंबई ट्रिप के बारे में तुम जानते थे ना? तब की और अब की सिचुएशन बदल गई है। क्या बदला है? हमारे पास अभी एक बच्चा है और तुम ना अभी ये सब छोड़कर यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकती। ओह गॉड, तुम बिल्कुल मेरे पापा की तरह बात कर रहे हो। हाँ, तुम अपनी माँ की तरह काम कर रही हो इसलिए पापा की तरह बात कर रहा हूँ। सब कुछ खत्म हो गया। ए, मेरी माँ के बारे में ऐसे बात मत करो, इज्जत से बात करो। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? मेरी माँ जैसी बीवी नहीं चाहिए, माँ जैसी बीवी नहीं चाहिए। असल में तुम्हें वही चाहिए जो तुम्हारी चाकरी करे और तुम्हारी बकवास सुनती रहे। जस्ट शट अप, ओके? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हर किसी को अपनी बाप की नजर से देखना बंद कर दो वरना कहीं की नहीं रहोगी। बात मान लो, ये पकड़ो इसे। ए, क्या कर रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि औरतें नेचुरली बच्चों की देखभाल कर सकती हैं। हम मर तो नहीं जानते, तो लो और नेचुरली इसको संभालती रहो। मेरे करियर को सपोर्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं? मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी है। संभालो इसे। नो, पकड़ो। अनिल, अनिल, कितनी बार कहा है बच्चे के सामने चिल्लाया मत करो? इसके सामने बहस करेंगे तो कैसा लगेगा इसे? कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ क्योंकि घर में नहीं रह सकता। तुम सभी मर्द एक जैसे हो, समस्या होती है तो भागने की कोशिश करते हो। हाँ, घर की टेंशन को छोड़कर दोस्तों के साथ शराब पीते हो, लेट नाइट घर पर आते हो, तो बीवी क्या सिर्फ बेडरूम में चाहिए? हाँ, शट अप अनन्या। तुम औरतों को ना पति चाहिए, सुख चाहिए, बच्चे चाहिए और घर भी चाहिए। अगर ये सब मिल जाए तो अचानक रोग की तरह बर्ताव करना शुरू कर देती हो, है ना? और ऐसा बर्ताव क्यों करते पता है? क्योंकि ऐसा करने के लिए तुम मजबूर करते हो। जो अच्छे होते उनके साथ ऐसा नहीं करते। वही, कौन है अच्छा इंसान? तुम जो कहो वो करो तो अच्छा इंसान, और तुम्हारी हर बात को मानो तो वेरी गुड हस्बैंड, अगर मना कर दो तो रोग। मर दुनियादारी की परेशानियों में मर रहा हो तुम औरतें उसको अपने शक से ही मार देती हो, है ना? अच्छा, तुम महान इंसान हो और मैं क्या जान लेने वाली राक्षस हूँ? पहले बच्चे का ख्याल रखो उतना ही काफी है, जान देने की जरूरत नहीं है। गॉड, जिम्मेदारी ना लेनी पड़े इसलिए इस तरह झगड़ा कर रहे हो। पकड़ो, पकड़ो। अनन्या, इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। व्हाट, शट अप अनिल, ब्लैकमेल? हेलो पापा। अनन्या, कहाँ हो तुम? पापा, क्या हुआ? कल्पना ने मुझे डिवोर्स नोटिस भेजा है, वो मुझे छोड़ना चाहती है। तुम एक बार उससे बात कर लो ना प्लीज। शी इज गॉन क्रेजी।
प्लीज अनन्या प्लीज। कहाँ है वो? क्या हुआ अनन्या? थैंक यू विद्या, टेक केयर। ओके बाय बाय। इतने सालों से मैं यही जता रही थी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो तुम समझ जाओगे। लगता था वो कभी ना कभी मेरे ख्वाहिशों के बारे में सोचेंगे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे उन्हें दफनाना पड़ेगा। अनु, मैंने ये जो सीरियल में एक्टिंग की ये सब बकवास है मैं जानती हूं, लेकिन श्रीधर की नफरत की वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। असल में मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शामिल होने का सपना था। वैम्प, बेस्ट वैम्प। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, बुके, गुलाब के फूल, ग्रीटिंग कार्ड, अपने खून से लेटर लिखना, तोहफे, सब कुछ। हर चीज के लिए एक उम्र होती है, प्यार की वो नोक झोंक, रोटना मनाना सब अच्छा लगता है। जिंदगी एक सपना लगने लगती है। आप जिसे प्यार करते हैं वो आपके लिए भगवान बन जाता है। उसके बाद असली कहानी शुरू। अपने पापा से कहो कि पूरी उम्र लड़ने झगड़ने की बजाय बस एक दिन शांति से बिताना बेहतर होता है। ये मुश्किल तो है, लेकिन हमें इसकी आदत हो जाएगी। चाय पियो। क्या हुआ? लता ने फोन किया था, तुम्हारा फोन रीच नहीं हो रहा था, वो वापस आ रही है, अभी फिलहाल लंदन में है वो। उसने लास्ट मिनट में फैसला किया। ग्रेट, अब इसकी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। क्या हुआ अनन्या? ये गेम, ये सब बंद कर लेते हैं, ये सब किसी काम नहीं आएगा। क्यों, क्या हुआ? मम्मी ने पापा को डिवोर्स नोटिस भेजा है, वो उन्हें छोड़ रही है। लेकिन क्यों? हमारी भी कुछ ऐसी ही कहानी है, हमारा सिर्फ ट्रेलर है, उनकी पूरी पिक्चर नहीं। अनिल, आई थिंक किसी को चाहना और उसके साथ रहना ये दोनों अलग बातें हैं। रोमांस और जिंदगी दोनों अलग हैं। अब मेरे पास घर नहीं है, प्यार करके शादी करना चाहती थी लेकिन मम्मी पापा ने कंफ्यूज कर दिया। मुझे पापा के पास जाना है। ठीक है, जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगा। ओके ना? सिर्फ आज रात के लिए है। अब ये गेम ओवर हो गया ना? टोटली। इससे अच्छा है कि हम दोस्त रहें। कॉन्सोलेशन प्राइज। फर्स्ट प्राइज की जरूरत नहीं है हमें। लता 8:30 बजे यहां पहुंचेगी, मैं तब तक आ जाऊंगी। बाय।
वो मुझे छोड़ना चाहती है। इट्स ओके पापा, इट्स ओके। हाय। हे लता। थैंक यू। तुम्हारी पेरेंटिंग की प्रैक्टिस कैसी रही? ये फ्लैट हम खाली कर रहे हैं लता जी। ऐसा क्यों? मैं बाद में सब बताऊंगी। बताते समय मुझे विलन मत बताना। यही बेस्ट है लता। अनिल, मुझे उसका पता मिल गया है। उसका मतलब वो श्यामला। कहाँ पर? वो हैदराबाद में। मुझे वहां ले चलना प्लीज। गाड़ी से जल्दी पहुंच जाएंगे, मुझे उससे मिलना है। और माँ? अरे माँ वाइजिक गई है शादी में, उसे आने में टाइम लगेगा। प्लीज हम जल्दी वापस आ जाएंगे। चलिए चल। यही हॉस्पिटल है ना? हाँ यही, सुंदरम ने यही बताया था। हे रमेश, आ जा अंदर आ। वो यही है सर। चलिए आइए। पापा। हाँ। मैं बाहर वेट करता हूं। कैसी हो? मैं ठीक हूं। वो आपका बेटा है? सुजाता कैसी है? पापा। हाँ? एक बार आइए, बाहर आइए। क्या हुआ? एक बार बाहर आइए, आइए ना। क्या हुआ? क्या? हाँ? एक्सक्यूज मी। हाँ जी। ये यही श्यामला को लिवर टिश्यू देने वाली डोनर है। क्या आप उन्हें जानते हो? माँ हैदराबाद आती थी शॉपिंग के लिए, नहीं पापा। आइए आप उनसे मिल सकते हैं। मैडम, ये श्यामला के रिश्तेदार हैं और आपसे मिलने आए हैं। ऑपरेशन सक्सेस रहा। आप सोच रहे होंगे आपको बताए बगैर मैंने ये कैसे किया। नगलम में मेरी सहेली रहती है पद्मा, उसने मुझे श्यामला के बारे में बताया। वह हैदराबाद में रहती है और बहुत ज्यादा बीमार है। किस हॉस्पिटल में है पता नहीं था। एक महीना लग गया श्यामला के बारे में पता लगाने में। डॉक्टर ने बताया उसका लिवर खराब है। मैंने अपना लिवर टिश्यू देने के लिए फोन किया तो उन्होंने मुझे हैदराबाद बुलाया टेस्ट के लिए, इसीलिए मैं हैदराबाद आया करती थी। थोड़ी सी शॉपिंग भी की थी। डॉक्टर ने कहा ये रिस्की है,
मैंने कहा ठीक है। उन्होंने जो भी कहा मैंने सब कुछ मैनेज किया। मैं बस टीवी शो देखने वाली बेवकूफ मां नहीं हूं बेटा। ऑपरेशन हो जाने के बाद मैंने सुंदरम जी को बुलाकर इस बारे में सब कुछ बताने के लिए कहा। मैंने तुम्हारे पापा को धोखा दिया। लेकिन 25 साल बाद इनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा। और क्या चाहिए, मैं अब खुशी से शॉपिंग करूंगी। बाप रे। अनु, उसका कोई फोन आया? सो जाइए पापा, आपको बहुत तेज बुखार है। जब मैं डेली सीरियल के लिए डिजाइन करता था और राइटर जब पति पत्नी के संघर्ष के बारे में लिखता था तो मैंने सराहना की। मैंने सोचा कि हम इसके 100 एपिसोड्स बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये नर्क होगा। अनु, मैं कल्पना से बहुत प्यार करता हूं। ख्वाहिशें तो मेरी भी बहुत थी, लेकिन दुनिया जालिम है। कुछ चीजें अनजाने में हमारे दिमाग में घर कर जाती है। कंपटीशन, सक्सेस, नॉनसेंस। अनन्या, ये कभी मत सोचना कि जो लोग हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं वो हमेशा रहने वाले हैं। अनन्या, हमारे अनुसार जीने वाले हैं, वरना पछताना पड़ेगा। मेरी तरह याद रखना। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। वो अभी कैसे हैं? ठीक है। मुझे लगा आप वापस नहीं आएंगे। अनिल मिलने आया था। हाँ, अनिल तुम्हारा बॉयफ्रेंड? इतने दिन तुम दोनों एक साथ एक ही फ्लैट में रह रहे थे, उस नाते तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही हुआ ना? मुझे और पापा को देखकर इतना डर गई कि जिंदगी की हकीकत को समझने के लिए ऐसे निकल पड़ी। एक मैच्योर्ड इंसान की तरह बात करता है। इंतजार किया आंटी, मेरी माँ ने 25 साल तक इंतजार किया। मेरी माँ को अपनी गलती सुधारने का मौका मिला, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता। मैं जो समझ पाया वो ये है आंटी, कि अगर उन्हें हमारी असलियत का पता चल जाए तब हम डर जाते हैं कि कहीं हमारा प्यार हमें छोड़ कर ना चला जाए। इसलिए हम सब कुछ परफेक्ट मैच होने का नाटक करते हैं। तभी तो प्रेम विवाह के बाद भी असली रंग बाहर आ जाता है, असलियत पता चल जाती है। साथ में रहने का कोई डेमो वर्जन नहीं है। हम पहले ट्रेलर देखते हैं, वो पसंद आया तो हम फिल्म देखते हैं, वरना नहीं। बिट बाय बिट, हर दिन हर पल रिश्ते बनाने के लिए हिम्मत और धैर्य चाहिए। वह हिम्मत आपको हमें देनी होगी आंटी, हमें उसकी बहुत जरूरत है। मैं आपसे श्रीधर जी को बस एक और मौका देने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। यह बात आपको भी पता है,
आपने जो उनसे प्यार किया है ना आंटी, वो प्यार कभी नहीं मरेगा। लेकिन ये तय है कि अगर आपने उनको छोड़ दिया तो वो तड़प कर मर जाएंगे। आंटी, आई रियली 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 लव अनन्या। अनु, आई एम सो सॉरी अनु। एक इडियट की तरह मैंने तुमसे कहा था कि जिससे प्यार करती हो उससे शादी मत करना। ये सोचना कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बेटी के साथ भी होगा, अनु, ये मेरी नादानी थी। मम्मी, अनु, मेरे और तुम्हारे पापा के बीच 1,25,000 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन तुम अनु, तुम हमारी जान हो बेटा। पापा, उस लड़के को घर कब लेकर आ रही हो? जाओ जाओ। कॉफी? हाय अंकल, अनिल कहाँ है? वो आपकी शॉप पर गया है लता जी से मिलने। ओह थैंक यू अंकल। आंटी मतलब अनिल की मम्मी कैसी हैं? वो ठीक है। कहाँ है? वो ऊपर है। अनिल की असली सोना। ये लड़की कौन है बेटा? पहले इसे कभी देखा नहीं। आपकी बहू है क्या? सॉरी वी आर क्लोजिंग अर्ली टुडे। अनिल तुम्हारे डेस्क के पास है। हाय। सो व्हाट्स नेक्स्ट? मुझे लगा तुम मुझे भूल गए हो। मैंने कोशिश की लेकिन भूला नहीं सका, इसलिए मैंने तुम्हें यहां पर रखा है। देखो महसूस करके। चलो हमारे घर चलते हैं। मेरे भाई हो गया। क्या हो गया भाई? जो एक साल में नहीं हो पाया। क्या? मैंने बोला था ना मेरे और मेरी वाइफ के बीच में वो टॉपिक नहीं आता। ओ, मतलब रोमांस के बारे में? हो गया, सच में मैंने उसे चूम लिया। हा? हो गया यार। दोबारा? वो अभी आ रही है। चलो। ए, 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 विश्वा, अरे बोलना। क्या है मेरे भाई? अरे क्या हुआ अचानक? अभी बताऊं क्या, पप्पी लेने में बिजी हूँ। तो फिर हो गया ऐसा क्यों बोल रहा था? अरे हाँ यार, रोमांस करने देना, चल चल बाय। hey, हो जाने के बाद कॉल करना। नहीं यार, अभी तो रोमांस ग्रह पर लैंडिंग हुई है, अभी उसे देखूंगा, प्यार करूंगा, फिर तुझे किस्ड कॉल, मिस्ड कॉल देता हूँ ना। ओके
फोन रख। ओके एंजॉय बाय। आप भी जाओ ना, रोमांस करो।